कहते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने जो है वो करड़ ऑपरेशन कर लिया एक मोंगो डीबी के साथ। अच्छा, अभी तक हमने यूआई का कोई फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा है। रिएक्ट हमने इंशाल्लाह शुरू करना है बहुत जल्दी, ठीक है जी। सॉरी, हाँ यार, ये वाला फ़ैन बंद करो, शोर कर रहा है। खड़े हो भाई, तुम मोबाइल अंदर रखो। अच्छा, खड़े हो गए, ज़रा ज़ोर से पूछो सवाल। हाँ, अच्छा, एरर का मैसेज आ रहा होगा कुछ ना कुछ। नहीं, एरर का मैसेज भी तो आ रहा होगा यार, हमने वो एरर को पकड़ा हुआ तो है यहाँ पे इस कोड में। अच्छा एक मिनट, वो एरर का कोड यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ है ना कहीं। अभी हम गो थ्रू भी करते हैं पूरे कोड का इसका। ये रहा mongodb.mjs। अच्छा स्क्रीन अभी लाता हूँ, स्क्रीन। अच्छा ये mongodb.mjs की जो फाइल है ना, इसके अंदर सारा कनेक्शन वगैरह सारा कुछ इसके अंदर हुआ हुआ है, ठीक है। और सर्वर के अंदर मैं क्या करता हूँ इसको, अबे ये क्या चक्कर है, सर्वर में तो मैंने लिखा ही नहीं है इस फाइल को। नहीं बनाया हुआ तो, लेकिन ये फाइल रन कब होगी? अच्छा पोस्ट में ही मैंने उसको वो किया हुआ है। अच्छा राउट्स में डायरेक्ट पकड़ा हुआ है मैंने उसको, सही है। हाँ जहाँ पे भी मैं इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस फाइल से ना, एक्सपोर्ट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इस चीज़ को इंपोर्ट नहीं करूँगा ना, ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इसमें से कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती ना, फिर मैं मैन्युअली इस फाइल को रन कराता हूँ, ठीक है। रन कराने का तरीका क्या होता है, मैं जस्ट ऐसे लिखूँगा इंपोर्ट, यहाँ नहीं मतलब कहीं और जहाँ पे भी, और यहाँ ऐसे करके ना इस फाइल का मैं नाम लिख दूँगा कि भाई ABC फोल्डर के अंदर ABC.mjs, ऐसे ऐसे करके लिख दूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है फाइल, ठीक है। उसके अंदर का जो भी कोड है वो रन हो जाता है। बहरहाल अभी क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, तो जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो पहले इस फाइल को रन करता है, फिर उसको इंपोर्ट करके लेकर आता है। वेल, तो ये इस तरह से हो रहा है। अच्छा तो वेल, यहाँ पर मैं आके क्या देखना चाह रहा था कि जी ये मेरा URI हो गया, और ये मेरा जी MongoDB का क्लाइंट जो है वो इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं हुआ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, और यहाँ पे ये कनेक्ट हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैंने अवेट लगा के कनेक्ट किया ना, तो ये ट्राई के ब्लॉक के अंदर है ये चीज़। तो अगर इस कनेक्ट के अंदर कोई एरर आएगा तो वो सीधा कैच में आके गिरेगा, और इस एरर के ऑब्जेक्ट में मुझे उसका एरर का मैसेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एरर डॉट स्टैक लिखा हुआ है ना, आप सिर्फ एरर को अगर कंसोल कराएंगे तो आई होप कि आपको वो एरर नज़र आ जाएगा। कहाँ पे नज़र आएगा? अगर तो लोकल मशीन पे आप चला रहे हैं तो आपको टर्मिनल पे नज़र आएगा, यानी कि इस जगह पे कहीं, ठीक है। और अगर आप इसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर चुके हैं तो क्लाउड में जहाँ साइक्लिक पे अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे लॉग देखने का ऑप्शन होता है साइक्लिक में। अगर गूगल क्लाउड में करते हैं तो वहाँ पे भी स्टैक पता नहीं क्या करके आ रहा होता है लॉग देखने का। तो आपने कहाँ पे डिप्लॉय किया जो नहीं चल रहा? सॉरी, डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहा। अच्छा आप कह रहे हैं कि एज इट इज़ मेरी फाइल को चलाते हैं तो सही चलता है, लेकिन आपका जो कोड है जो आपने देख के एग्जैक्टली लिखा है उसमें मसला हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने कोड लिखते हुए कोई एक चीज़ मिस कर दी है। हाँ अच्छा, नहीं तो एरर का मैसेज लेकिन ज़रूर आएगा। डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन आप जब एंट्री देखो, समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तुम कह रहे हो यहाँ कोई एरर नहीं आता, सही, यहाँ कोई एरर नहीं आया, ये बढ़ गया आगे हमारा। अच्छा अब आ जाते हैं हम यहाँ पोस्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पोस्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके क्या करता हूँ मैं कि /post/post के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री मारता हूँ ना डेटाबेस में, है नहीं, ये तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पे क्या किया मैंने। अच्छा ये तो वैलिडेशन है, इतनी मैंने बोला यार रिटर्न हो गया। अच्छा ये आ गया। यहाँ पे जब मैं इंसर्ट मारता हूँ तो ये भी जो अवेट लगा हुआ है ना, ये वाला, ये अवेट का काम असल में मुझे ये पूरा ब्लॉक ना ट्राई कैच के अंदर लिखना चाहिए, ये पूरा ब्लॉक ऐसे लिखना चाहिए मुझे असूलन, सही है, ट्राई, और यहाँ पे मैं पकड़ूँ इसको और कैच करूँ, ठीक है। ये काम पूरा का पूरा ट्राई के अंदर करना होगा मुझे कि यार अगर ट्राई करो ये काम अवेट वाला, अगर ये हो जाता है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो पोस्ट क्रिएटेड, अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा इसका, ठीक है।
और जो भी वो एरर होगा वो आपको यहाँ पे आप इसको ना एरर इंसर्टिंग MongoDB ऐसे करके आपने लिखा और कॉमा डाल के यहाँ पे ई लगा दिया आपने, तो ये एरर का ऑब्जेक्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा जब इंसर्ट करते हुए अगर कोई एरर आता है तो। उस एरर के अंदर मैसेज में वो बात लिखी भी होगी कि क्यों नहीं इंसर्ट हो पा रहा है, और एरर का कोड भी लिखा हुआ होगा। वो जब आप पढ़ लेंगे मैसेज, वो जब कोड आपको मिल जाएगा उसको आप गूगल करेंगे, उसको आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहा इंसर्ट। सही है, समझ आ गया? जी जी आवाज़ नहीं आ रही यार तुम्हारी, ज़ोर से बोलना। समझ आया इसका सवाल? क्या समझ आया? हाँ, जो MongoDB की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही मैंने जो भी कोड, देखो मैंने जो कोड यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का ही कोड लिखा है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी जो गेटिंग स्टार्टेड में ज़रा उन्होंने मुख्तलिफ कोड लिखा है, और जो फिर गाइड के अंदर आके उन्होंने ज़रा मुख्तलिफ कोड लिखा है, लेकिन कोड में मुख्तलिफ का चक्कर नहीं है, वो कुछ पैरामीटर कहीं पर दिए हैं कहीं पर नहीं दिए, वो ये वाला काम हुआ है। ठीक है, तो आप गेटिंग स्टार्टेड, मेरे पास जो लिखा हुआ है कोड, मैंने दो डॉक्यूमेंट देखे हैं, एक तो गेटिंग स्टार्टेड देखा है, दूसरा फिर इंसर्ट वाला अपना जो इटसेल्फ डॉक्यूमेंट था वो देखा है। तो दोनों में से कोई भी कोड आप चलाओगे तो वो चलना चाहिए। ठीक है, मैं वो दोनों जगह दिखा देता हूँ जहाँ से दोनों से मैंने कोड देखा था। मैंने कहा MongoDB गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, एक तो ये गेटिंग स्टार्टेड का ट्यूटोरियल था कि जी यहाँ पे आप आओगे और जो है ना ये कहाँ गया, ये क्रिएट एंड कनेक्ट डेटाबेस ना, एक तो इनका ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, MongoDB URI करके और ऐसे MongoDB.connect.collection, ये रहा MongoDB.connect किया ऐसे। अच्छा, इसमें इन्होंने तरीका देखो कौन सा किया, कॉल बैक फंक्शन वाला तरीका है। बाद में इन्होंने जो तरीका किया वो एसिंक का वेट वाला है, तो जो एसिंक का वेट वाला है वो नया तरीका है, ये ज़रा पुराना तरीका है ना जो कॉल बैक वाला है, लेकिन कनेक्ट ये दोनों से ही होगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक लाइब्रेरी भी है ये मंगोश करके, ये तो मंगूस है, एक जो नेवले वाला जो मंगूस होता है वो है, एक ये भी लाइब्रेरी है, ठीक है, मंगूस, लेकिन ये मैंने खुद यूज़ नहीं की और ना इसको मैंने किसी को देखा है यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहाँ पर गए थे, फिर हम गए थे इंसर्ट वाले पे ना, इंसर्ट वाले पे गए थे हम, MongoDB इंसर्ट, ठीक है, कलेक्शन डॉट इंसर्ट, ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मेरा भाई, सही है, यहाँ पे देखो ऐसे करके डॉट इंसर्ट करना बताया है इन्होंने, तो ये भी सही है, एक ही बात है। यहाँ पे देखो डॉट चेन स्टेटमेंट की है, .db.collection.insert की है, सही है, तो ये सारा सही है, ये गलत नहीं है कोई सा भी इसमें से, ये कोई सा भी लिखोगे इसमें चलना चाहिए। ये रहा MongoDB CRUD ऑपरेशन ना, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर गया था, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट मैथड, ये चार मैथड हैं पाँच इंसर्ट करने के, ये पाँचों यहाँ पर बता दिए। ठीक है, क्वेरी या डॉक्यूमेंट, ये क्वेरी आ गई यहाँ पर, ठीक हो गया जी। तो बस यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा कोड देखा है और थोड़ा थोड़ा कोड हमने यहाँ से लिखा है, तो कोई भी आपने काम करना हो MongoDB में तो वो यहाँ पे से आप कर सकते हैं। स्टिल MongoDB का हमने, जाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं MongoDB में जो हम सारा यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, हम जो कवर करेंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कवर। ठीक है, मिसाल के तौर पर MongoDB में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन, अब आई होप कि वो हम कवर कर पाएँ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली हम वो भी कवर नहीं करेंगे। एक इसमें चीज़ होती है ट्रांजैक्शन, एक होती है चीज़ इसमें, अब जैसे सीक्वल के अंदर होता है नॉर्मलाइजेशन, इसमें हम करते हैं डी नॉर्मलाइजेशन,
तो अब ये काफ़ी डिटेल्ड अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये, फिर डेटाबेस पूरी दुनिया होती है डेटाबेस में ना इट सेल्फ, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो डेटाबेस का एक सब्जेक्ट होता है पूरा अलग, एक 6 महीने का एक आप कोर्स पढ़ते हैं डेटाबेस का सिर्फ, उसमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह नहीं होती, वो सिर्फ डेटाबेस होता है कि जी वो डेटाबेस का डिज़ाइन कैसे बनेगा, डेटाबेस का जो पूरा डेटा जो फ्लो करेगा डेटाबेस के अंदर वो कैसे करेगा, क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे ऐसे रखना पड़ता है कि उसको एक्सेस करना और इंसर्ट करना दोनों आसान हो। फिर उसमें कुछ एम्बार्गोस भी होते हैं कि जी आपको आया कि टाइम बचाना है या स्पेस बचाना है, तो वो वाला भी चक्कर होता है कि क्वेरी को फास्ट अगर करना है तो हम फिर ज़रा अलग अप्रोच करते हैं, अगर क्वेरी स्लो भी रहे स्पेस बचाना है तो वो फिर ज़रा अलग अप्रोच होती है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो शुरू से लेके आखिर तक जंग है सारी वो टाइम और स्पेस की है, ठीक है, अगर आपको टाइम बचाना है तो स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अगर आपको स्पेस बचाना है तो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वो वाला सारा कुछ वो डेटा बेस के अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो वो हम सारा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, हमने क्या चीज़ पढ़ी है, हमने करड़ ऑपरेशन पढ़ा है, डेटा बेस को कनेक्ट करना, करड़ ऑपरेशन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट सेफ कैसे होते हैं, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट का जो हायरार्की है वो हमने समझा। अब जो हम समझेंगे ना इसमें लास्ट चीज़ वो हम समझेंगे क्वेरी करना, 4-5 तरह की जो वो क्वेरी होती है ना वो हम समझेंगे, तो बस यहाँ पे हमारा MongoDB कंप्लीट हो जाएगा इस कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब उसके अंदर फिर एक पॉपुलेशन की टेक्निक होती है, वो कोशिश करेंगे कि वो अगर देख पाए हम तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसके आगे की चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपने अलग से पढ़नी होगी। मैं आपको बुक बता दूंगा, एक बुक है MongoDB फॉर बिजनेस डेवलपमेंट इस तरह करके एक बुक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपने मज़ीद इससे आगे पढ़ना हो, ठीक है। MongoDB की अपनी यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, MongoDB यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो एक इनका पोर्टल है वहाँ पर भी ये सिखाते हैं, तो वहाँ पे इनके छोटे छोटे कोर्सेज बने हुए हैं, तो अगर आपने MongoDB को आगे एक्सप्लोर करना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। जितना हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं MongoDB, इसमें क्या होगा कि जी आप थ्रेड जैसी ऐप या फेसबुक जैसी ऐप आप बना सकते हैं, ठीक है, छोटी मोटी कि जी जैसे अब फेसबुक जैसी ऐप में क्या होता है, फेसबुक में तो एक्चुअली बहुत कुछ है अंदर, लेकिन मैं मोटे मोटे जो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जी एक बंदा लॉगिन करेगा, साइनअप करेगा, ठीक है, और वो साइनअप करने के बाद उसका एक प्रोफाइल का पेज होगा, उसका प्रोफाइल डेटाबेस में सेव होगा, वो जब भी अपनी प्रोफाइल पे जाए उसको अपनी चीज़ दिखे, ठीक है, फिर इसके बाद ये एक पोस्ट करेगा तो अपनी प्रोफाइल के पेज पे इसकी इसी की पोस्ट दिखे, किसी और की पोस्ट ना दिखे, ठीक है, ये क्वेरी के जरिए होगा कि जी सिर्फ अपनी पोस्ट क्वेरी करके मंगवा रहा है वो। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक फीड का पेज होगा, उसमें क्या होगा तमाम लोगों की पोस्ट दिखे, ठीक है, तमाम लोगों की उसमें पोस्ट आ रही होगी वो होगा, ठीक है। फिर अब जैसे आप फेसबुक में और क्या होता है, इसके अलावा फेसबुक में और ये होता है कि जो फीड बन रही होती है ना कि तमाम लोगों की पोस्ट आए, तो वो कौन लोगों की आती है, वो सिर्फ फ्रेंड्स की आती है, नॉन फ्रेंड लोगों की पोस्ट फेसबुक पे आपको नहीं दिखती है, ठीक है, तो वो भी क्वेरी के जरिए होगा कि जो क्वेरी करेंगे हम कि इसके सारे दोस्त जो है ना वो उठ कर आए सिर्फ, कोई और उठ कर ना आए, ठीक है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, अगर यहाँ तक हम पहुँच पाए तो, आप लोगों ने अगर साथ दिया मेरा तो, ठीक है। दूसरा ये कि फिर उसमें एक सर्च होता है फेसबुक में, आप सर्च बार में कुछ लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो सर्च की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसको एक टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं फुल टेक्स्ट सर्च, वो MongoDB में आप लिखेंगे फुल टेक्स्ट सर्च कैसे बनता है तो आपको नज़र आ जाएगा। एक क्वेरी करने का वो भी एक तरीका है कि जी क्वेरी में एक तो हम बोलते हैं ना कि भाई बंदे की एज 18 ही हो एग्जैक्टली उस बंदे को लेकर आओ, या बंदे की एज 18 से कम हो उसको लेकर आओ। हम ये भी कहते हैं कि यार ये टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, ये टेक्स्ट जहाँ भी मिले उठा के ले आओ, ठीक है, ये टेक्स्ट जहाँ पे भी मिले आप उसको उठा के ले आओ, तो वो फुल टेक्स्ट सर्च कहलाता है। अब लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है दुनिया, अब होता है वेक्टर सर्च। वेक्टर सर्च में क्या होता है, MongoDB में भी उसकी सपोर्ट मौजूद है, वैसे तो पाइनकोन उसके लिए सबसे फेमस डेटाबेस चल रहा है आजकल, लेकिन MongoDB में भी उसकी सपोर्ट मौजूद है, इंडेक्सिंग करनी होती है हमें और वो चलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर पाइनकोन जैसा डेटाबेस कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो डॉक्यूमेंट MongoDB में डाल रहे हैं एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट हम पाइनकोन पर भी डालते हैं पूरा उठा के, और वेक्टर में कन्वर्ट करके डालते हैं, उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन करके डालते हैं, और जब सर्च करना होता है तो जो टेक्स्ट होता है उसको भी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, पाइनकोन से सर्च करते हैं, पाइनकोन से हमें आईडी मिलती है, MongoDB से फिर एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट्स उठा के लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा फेसबुक में जब आपके पास जो फीड आ रही होती है ना, न्यूज़ फीड आ रही होती है, वो एक तो फ्रेंड्स की आ रही होती है, फ्रेंड्स के अलावा भी उसमें कुछ एल्गोरिथम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके लाइक वाइज चीज़ें हैं ना आपकी, वो आपको पहले नज़र आती है, जो आपने जिसको ज़्यादा चीज़ को लाइक करता है ना वो पहले दिखती है। जैसे यूट्यूब का जो फ्रंट पेज होता है तो उसका एक अल्गोरिथम उन्होंने लिखा हुआ है, एक 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 लॉजिक बनाई हुई है कि किस तरह की यूट्यूब की वीडियो होगी तो वो आपको दिखेगी, क्योंकि कोई और बंदा खोलेगा तो उसकी स्क्रीन पे अलग वीडियोज़ आती हैं अगर उसने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है अपना, तो ठीक है आप करेंगे तो आपको अलग दिखेगी, अगर आप बिल्कुल लॉगिन नहीं है तो आपको फिर उस एरिया में जो लोग देखते हैं ना वो दिखेगा। अगर आपको कभी देखना हो ना कि आपके मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं आजकल, तो आपने क्या करना है,
एक नया ब्राउज़र इंस्टॉल करके ना उस पर खोलना है, तो आपको वो मोहल्ले में जो देख रहे हैं ना लोग वो दिखेगा, यानी कि उस आईपी के ऊपर, उस इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर जो ट्रैफिक जिस तरह की जाती है ना ज़्यादा, तो वो आपको दिखेगा। तो ये हिसाब किताब है। तो वेल, हम एक सर्टन लिमिट तक जाएंगे, उसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। हम ये वाले एल्गोरिथम जो सर्च इंजन बनता है एक्चुअली पूरा, कि जी वो कैसे दिखे, वो जो न्यूज़ फीड कैसे दिखे बंदे को। फिर उसके अलावा फेसबुक में ये होता है कि जी अगर एक पोस्ट करता है कोई तो वो 10 लोगों को दिखाता है, अब अगर लोग लाइक करते हैं तो वो मज़ीद बूस्ट होता है। तो ये चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको कवर करने के लिए ज़रा फिर टाइम भी एक तो चाहिए, और दूसरा ये कि ज़रा करने में मुश्किल है ये चीज़ें ना थोड़ी ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के बस की फ़िलहाल ये है बात, क्योंकि आपको तो सिंपल क्रॉड ऑपरेशन देता हूँ तो 2 हफ्ते लग जाते हैं आपसे रिजल्ट लेने में। तो अगर ये चीज़ें मैंने बनवा दी तो ये तो फिर रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं थोड़ी, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म अपनी मर्ज़ी से बनाता है ये वाला चीज़। तो अभी तो ट्विटर ने अपना पब्लिक कर दिया है, अब अगर मैं वो ट्विटर वाला कोड खोल लूँ यहाँ पे कि यार ट्विटर ने ये एल्गोरिथम बनाया है, इसको देख के हमने रेप्लिकेट करना है, तो आई एम श्योर कि आप में से हर एक बंदे की हवा निकल जाएगी। वो कोड देख के ही आपको उल्टी आ जाएगी कि यार इतने लाइन का कोड हमने तो कभी देखा ही नहीं, इतना बड़ा कोड बेस, ठीक है। लेकिन वेल, अगर किसी को लगता है कि उसमें दम है तो ट्विटर का कोड खोलो आप और देखो, पाइथन का कोड है वैसे वो, लेकिन पाइथन और जावास्क्रिप्ट में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आप इस काबिल हैं कि आप पाइथन का कोड देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या लिखी हुई है बात, सूडो कोड के तौर पे आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। वेल, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास ना, अच्छा इसको ज़रा गो थ्रू भी कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी तक हमने क्या किया है, और गो थ्रू करने के अलावा हम इसको ज़रा चला के भी देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने सिर्फ कोड लिखा था, चला के नहीं देखा था, ठीक है जी। ये हमारा server.mjs है, इसमें ये तमाम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हमने इम्पोर्ट की हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने, हमारे पास 4 routes हैं टोटल, तो चारों routes को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास express.json है जिससे बॉडी पार्स हो रही है हमारे पास। ये हमारा राउटर है, ऑथ राउटर, ठीक है। इसके अंदर लॉगिन और साइनअप की API है, जो कि इस वक्त क्या है, डमी है। मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये अंदर चला गया, लॉगिन साइनअप की API डमी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बैरियर लगा हुआ है, इसमें इंशाल्लाह हम क्या लगाएंगे, इसमें JWT की ऑथेंटिकेशन लगाएंगे हम, ताकि यहाँ से आगे जब तक वैलिड टोकन ना हो यहाँ से आगे ना जा पाए, ठीक है। अभी हमने इंशाल्लाह लगाना है बहुत जल्द। अच्छा, उसके बाद हमारी ये जो APIs है, ये वाली एक राउटर और है यहाँ पे, पोस्ट का राउटर, जिसमें पोस्ट को क्रिएट करना, डिलीट करने की तमाम चीज़ें हैं। ये वाला जो राउटर है ये क्या है, ये सिक्योर APIs हैं, ये सिक्योर APIs हैं इसके आगे अब, ठीक है। इस बैरियर के नीचे जितनी भी चीज़ है वो सब सिक्योर है, जब तक बंदा लॉगिन नहीं होगा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अभी तो हमने डमी रखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा ही होगा कि लॉगिन होगा तभी इधर आगे पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचेगा बंदा आगे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स को सर्व किया हुआ है, 2 code लगाया हुआ हमने स्टैटिक फाइलों का, एक पब्लिक का फोल्डर जिसमें HTML की फाइल होगी, एक स्टैटिक का फोल्डर जिसके अंदर हमारी बाइनरी फाइल्स होंगी, डाउनलोडेबल फाइल्स जो होंगी वो यहाँ पे हम सेव कर रहे होंगे। लास्ट में हमने उसको लिसन लगा दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास पोस्ट का राउटर है, उसके अंदर हम चलते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है लेट पोस्ट करके, जिसकी अब हमें शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये पोस्ट हो गया, ये जी हमने इंसर्ट कर लिया ट्राई कैच में, इसको पैक भी कर दिया मैंने कि जी अगर कोई एरर, अच्छा जब एरर आएगा तो हमें रिस्पॉन्स भी भेजना है यहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अदरवाइज़ क्या होगा, देखो ये तो चलेगा ही नहीं ना अगर एरर आ गया तो, ये तो नहीं चलेगा। तो अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड किसी API में ना करूँ बिलफर्स, तो वो मेरा सर्वर हैंग हो जाएगा, ये याद रखो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, पाइपलाइन मैकेनिज्म में गिरता है तो भाई अगर यहाँ पे से ख़त्म हो गया तो ये अगले में आ जाए, अगले में आ जाना चाहिए ना इसको, लेकिन ख़ुद से नहीं आएगा वो यहाँ पे। या तो मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा ना इस जगह पे, जब वो अगले में जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं लगाता हूँ तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट आ तो जाएगी, यहीं पे फंसी रहेगी ये, और फ्रंट एंड पे क्या होगा, लोडर घूमता रहेगा अनलिमिटेड घूमता रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करता है ना कोई भी क्लाइंट, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो ब्राउज़र हो, चाहे वो एक्सियोस हो, तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है जो कि 300 सेकंड होता है एक्सियोस के केस में। तो वो जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेगा ना, और सर्वर पे इधर आएगी रिक्वेस्ट, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड अगर तो कॉल हो गया तब तो उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर वो कैच में गिरा आगे तो कैच में तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है ही नहीं, ना एरर के साथ ना सक्सेस के साथ, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ से वापस नहीं जाएगी। एक्सियोस क्या करेगा, 300 मिलीसेकंड तक वेट करता रहेगा, घूमता रहेगा कि मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। 300 सेकंड के बाद, जो कि डिफ़ॉल्ट टाइम आउट है उसका, उसके बाद वो बोलेगा एरर, वो बोलेगा E not connect ऐसे करके वो कोई एरर दे देता है कि यार वो मुझे मिल नहीं रहा, आंसर नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, उस डिफ़ॉल्ट टाइम आउट को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे वो आई थिंक 300 सेकंड्स होता है, 300 सेकंड 5 मिनट बनते हैं काइंड ऑफ, तो वो पूरे 5 मिनट तक वो घूमता रहेगा, तो उसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वेल, तो मुझे यहाँ पे आइडियली क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कॉल करना है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कॉल करने पे क्या लगाना है, स्टेटस,
स्टेटस क्या होगा यहाँ पे? 500 होगा, सर्वर का एरर, वो डेटाबेस का एरर है ना, ठीक है। ऊपर मैंने वैलिडेशन कर ली, इसका मतलब रिक्वेस्ट बंदे ने सही भेजी है, मेरे डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो पाया समहाउ, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, सर्वर की साइड से ये प्रॉब्लम है। हो सकता है ये डेटाबेस थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ, वो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो रिक्वेस्ट करे तो ये पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 500 भेजूंगा कि भाई हमारी साइड से कोई इशू है। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़र को ये बात नहीं बताता कि सर्वर पे क्या हुआ है, ये बात हमेशा याद रखें, ये वल्नरेबिलिटी होती है। अगर मैं यूज़र को ये बता देता हूँ ना कि भाई डेटाबेस ऑफलाइन, तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इस चीज़ को जो है ना कोई हैकर या कोई बंदा इस्तेमाल कर सकता है आपके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, आपके रिसोर्स का मिसयूज़ कर सकता है इस डिटेल की वजह से, ठीक है। तो हम सर्वर पे क्या हुआ है ये नहीं बताते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं भाई, बस यहाँ पे सर्वर एरर, इस तरह की जनरल बात करते हैं, बिल्कुल हम एक्चुअल नहीं बताते कि सर्वर पे एक्चुअली मेरे पास क्या डेटाबेस का यूज़र नेम गलत है या डेटाबेस का पासवर्ड गलत डाला हुआ है या डेटाबेस इतने मिनट से ऑफलाइन है, इस तरह की कोई बात नहीं करते हम, अंदर की डिटेल कहलाती है। हम यहाँ पे बोलते हैं भाई सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, बस सिंपल सी जनरल सी बात करते हैं। यहाँ पे हम अंदर की कोई बात नहीं बताते, अंदर की कोई डिटेल हम यहाँ पे यूज़र से, क्योंकि यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सर्वर को जो कॉल कर रहा है ना बंदा, वो कोई थर्ड पार्टी है बंदा, वो मेरा दोस्त नहीं है कोई, मेरा कस्टमर है वो, ठीक है। मैंने API अगर बनाई है तो मैं या तो किसी को बेच रहा हूँ वो API, जैसे वेदर API के केस में उन्होंने बेचा हुआ है हमारे को, हम कॉल करते हैं तो हम एज अ कस्टमर होते हैं, या तो मैं, मेरा फ्रंट एंड होगा कोई, जैसे कि कोई मोबाइल ऐप या कोई वेब एप्लीकेशन, मेरा फ्रंट एंड होगा, वो एक दूसरा डेवलपर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो सर्वर का कंट्रोल आम तौर पे ना कंपनी अपने हाथ में रखती है, मिसाल के तौर पे जो कंपनी अगर कोई ऐप बना रही है अगर कंपनी, तो ज़्यादातर जो छोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं ना, बिल्कुल दो लोगों वाला स्टार्टअप जो है, जो आमतौर पर फाइवर पे, अपवर्क पे इस तरह के काम बहुत आते हैं, तो वो क्या करता है सर्वर आमतौर पर अपने हाथ में रखता है वो। या अगर सर्वर मिसाल के तौर पे मुझे दिया उसने बनाने के लिए, तो फ्रंट एंड अगर किसी और को दिया है तो वो मेरे साथ कंटिन्यूसली लूप में रहता है, ठीक है। और हर चीज़ पे वो खुद नज़र रखता है, कोड को खुद रिव्यू करता है, क्योंकि सर्वर को अगर आपने सिक्योर कर लिया तो पूरी ऐप आपकी सिक्योर हो जाती है। अगर सर्वर आपका सिक्योर है तो फ्रंट एंड से कुछ भी नहीं कर सकता बंदा, अगर आपका सर्वर सही लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, तो फ्रंट एंड से कुछ भी नहीं कर सकता बंदा, कोई गड़बड़। फ्रंट एंड वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कोई फॉर्म गलत बना देगा, सबमिट होगा, इधर आके वैलिडेशन पे फंसेगा एरर करके वापस, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा फ्रंट एंड में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हमारे पास, या इसी तरह जो इंडिया में, बांग्लादेश में, फ्रंट एंड का काम उरूज पे है बहुत। क्यों? कि गोरा सर्वर लिखता है खुद, फ्रंट एंड भी देता है हमें वो, क्यों, फ्रंट एंड में उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस फॉर्म चलावा लाके देखेगा, बोलेगा सही है तो सही है, ठीक है। कभी भी अगर फ्रंट एंड से कोई गलती हुई तो सर्वर पे अटक जाएगा, जाके वैलिडेशन में फंस जाएगा, फिर रिटर्न आएगा रिस्पॉन्स, तो जबकि जब देखी जाएगी, ऐसे वाला हिसाब के साथ होता है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो है ना फ्रंट एंड का काम बहुत ज़्यादा हमें दिया जाता है, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश वगैरह, और ये श्रीलंका, और ये नाइजीरिया, ये थर्ड वर्ल्ड सारी कंट्रीज़ जो है ना, इनमें चीप लेबर होती है ज़रा एज़ कम्पेयर टू USA, तो यहाँ पे वो फ्रंट एंड का काम सारा इधर से करवाते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप का फ्रंट एंड हो फ्लटर या रिएक्ट नेटिव, या वो वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हो, या वो नेटिव ऐप का फ्रंट एंड हो, ठीक है। इवन iOS का और एंड्रॉयड का जो ऐप होती है, वो भी तो किसी बटन के क्लिक पर सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही होती है, तो वो फ्रंट एंड ही होता है असल में। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है ना, जो हमारे यहाँ आपको देखने को मिलता है, इसके कोर्सेज भी बहुत तादाद में लॉन्च हुए, तो ये टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा हमें मिलती हैं, ठीक है। और ये सर्वर वगैरह का काम हमें ज़रा मुश्किल से मिलता है, मिलता तो है ये भी ऑब्वियसली, लेकिन ज़रा मुश्किल से मिलता है, ज़रा क्लाइंट को भरोसे में लेना पड़ता है, तो ज़रा वो फिर टेक्निकली भी कॉम्पिटेंसी भी देखता है कि अच्छा यार बंदा कॉम्पिटेंट है, सब कुछ ओके है, उसको रियलाइजेशन है कि वो क्या कर रहा है, जब वो जाके देता है, और निस्बतन कम मिलता है। अच्छा, सर्वर पे थोड़े से पैसे भी अच्छे हैं निस्बतन फ्रंट एंड के, ठीक है। तो लेकिन ये है कि सर्वर का काम क्योंकि कम है, तो वो बात वहीं घूम के आ जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे पेट्रोल पंप होती है ना, जो बचत तो 2-3 रुपये होता है, लेकिन वो मिलियंस ऑफ लीटर्स वो बेच देते हैं अगर किसी अच्छी जगह पे हो, तो उसमें बचत उनको अच्छी खासी होती है फिर। वेल, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पे से मैं बोलूँगा भाई 500 सर्वर एरर, दैट्स इट। अच्छा जी, उसके बाद मैंने गेट किया, तो ये गेट में मुझे अवेट मिला। अच्छा, ये अवेट भी मुझे आइडियली ट्राई कैच में लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर इसमें कोई एरर आता है तो मेरी क्या हो जाएगी इस वक्त, एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी। इसमें अगर कोई एरर आता है तो मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को ब्रेक होने से अगर बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जितने भी
प्रोमिसज़ वाले काम हैं जितने भी, ठीक है, इसको प्रोमिसज़ वाले काम कहते हैं, उसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई कैच में लिखेंगे। ठीक है, ज़रा ट्राई कैच लगा लेते हैं सब जगह। सही है, ट्राई में अगर सब कुछ सही रहता है तो ये चलेगा, अदरवाइज़ कैच में हमारे पास जो है ना यही वाला सेम काम यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉन्सोल के अंदर जो है ना मैं सही चीज़ लिख रहा हूँ, एरर गेटिंग, डेटा सही है जी, MongoDB, और मैंने एरर को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे, लेकिन मैंने बोला भाई सर्वर एरर, सिंपल बात की है मैंने। अच्छा ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे भी ये काम करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने अभी तक MongoDB वाला काम नहीं किया, तो कौन कौन से पे किया है, एक इंसर्ट पे और एक गेट पे, फाइंड पे, और फाइंड पे भी मैंने कोई क्वेरी नहीं लगाई इस वक्त, तमाम की तमाम मैंने कहा भाई जो भी पोस्ट है ना सब ले आओ, तो मैंने ये बोल के यहाँ पे से मंगवाया है ताकि वो तमाम की तमाम पोस्ट लाए और भेज दे। अच्छा अब ज़रा हम चलते हैं यहाँ पे, गेट अ सिंगल पोस्ट। जब मैं वेरिएबल के साथ ये काम करता था तो मैं क्या करता था, मैं लूप चलाता था उस वेरिएबल के ऊपर और चेक करता था कि यार, क्योंकि मेरा वेरिएबल जो था वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो उसके अंदर मैं तलाश करता था कि आया कि इस आईडी के नाम से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं, अगर होता था तो मैं रिटर्न करता था, अदरवाइज़ मैं मना कर देता था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास डेटाबेस क्योंकि है तो डेटाबेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही सेम काम यहाँ पे करूँगा। ठीक है, यही सेम काम है, देखो जो गेट ऑल पोस्ट के लिए ना वही सेम काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। लेकिन अब मैं कैसे करूँगा, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ में करूँगा, मैं बोलूँगा भाई कॉल कलेक्शन डॉट फाइंड जो है ना मेरा, वो कौन से वाले पे करो, वो बोलो भाई अंडर स्कोर आईडी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट आईडी। अच्छा देखो हमारे केस में ना अभी आईडी है दो हमारे पास, देखो इंसर्ट वाले में मैं जाता हूँ वापस, देखो एक तो मैं देता हूँ आईडी नैनो आईडी बना के, अच्छा एक आईडी ना अंडर स्कोर आईडी करके ये खुद भी देता है, डेटाबेस खुद बनाता है, वो हमें अभी दिख नहीं रहा, वो ऐसे एक लंबी चौड़ी सी एक आईडी होती है वो। ठीक है, ये हम नहीं देते, ये इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये हम नहीं देते, ये डेटाबेस खुद इशू करता है इसको हर डॉक्यूमेंट को, तो अब काइंड ऑफ मुझे इस आईडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अंडर स्कोर आईडी करके मैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रख सकता, अदरवाइज़ फिर वो अंडर स्कोर आईडी कॉन्फ्लिक्ट करेगा अंदर वाले से और वो फिर इशू नहीं करेगा, फिर वो सेम रखेगा उसको। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह अंडर स्कोर आईडी यहाँ पे पास कर दूँ ना तो फिर डेटाबेस मुझे आईडी इशू नहीं करेगा, ये वाली आईडी इशू हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगा कि डेटाबेस जो मुझे आईडी इशू करता है वो यूनिक होती है। किस में होती है यूनिक, मेरे पूरे के पूरे डेटाबेस में यूनिक होती है। ठीक है, इवन मेरे पूरे क्लस्टर में यूनिक होती है, क्योंकि वो टाइम को भी इन्वॉल्व करता है इस आईडी के अंदर, और ज़रा वो हैशिंग एल्गोरिथम उनका अपना एक है जिसके ज़रिए वो कैलकुलेट करता है ये आईडी, तो ज़रा 99.9% चांस होता है कि ये आईडी पूरे क्लस्टर में किसी और से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, तो मेरे लिए गुड इनफ है ये चीज़ मेरे लिए गुड इनफ है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस नैनो आईडी का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मेरे पास एक दूसरी चीज़ आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जब भी कोई इस पोस्ट को फाइंड करने की कोशिश करता है ना यहाँ पे पोस्ट आईडी के थ्रू, यानी सिंगल पोस्ट मंगवाता है, तो मैं उससे बोलूँगा कि मुझे कौन सी वाली आईडी दो आप, अंडर स्कोर आईडी दो मुझे, उससे मैं तलाश करूँगा। अच्छा अंडर स्कोर आईडी से तलाश करने का एक बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है, बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जब मेरे पास ये अंडर स्कोर आईडी से तलाश करता हूँ ना मैं, तो इसकी इंडेक्सिंग पहले से हुई हुई होती है। इंडेक्सिंग समझते हो, अच्छा इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है भला, कि डेटाबेस के अंदर ना, जैसे जाहिर है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है ये, है ना, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इसी तरह ऑब्जेक्ट होता है, यानी एग्जैक्टली मैंने जो वेरिएबल बनाया हुआ था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास, तो एग्जैक्टली वही चीज़ डेटाबेस होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं लाइन से। उसमें क्या होता है कि मैं देखो मेरे पास क्या है, आईडी है, टाइटल है, टेक्स्ट है, अगर मैं बार बार टाइटल से मुझे सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है या बार बार मुझे रोल नंबर से सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस की पे, यानी कि टाइटल पे या रोल नंबर पे या टेक्स्ट के ऊपर मैं बोलता हूँ कि इंडेक्सिंग कर दो आप। अच्छा इंडेक्सिंग मैं कैसे करता हूँ, इंडेक्सिंग मैं कोड से भी कर सकता हूँ और MongoDB के डैशबोर्ड से भी जाके बता सकता हूँ कि इस आईडी पे, इस की पे इंडेक्सिंग करो आप।
नतीजा क्या होता है कि अगर मैं उस की पे इंडेक्सिंग कर दूँ, जैसे कि मैंने टाइटल पे इंडेक्सिंग कर दी है, तो जब मैं टाइटल से सर्च करूँगा ना डॉक्यूमेंट को, जब टाइटल से मैं क्वेरी चलाऊँगा, जब मैं बोलूँगा इस तरह आके यहाँ पे, जैसे मैंने भी बोला ना कि अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू दिस दिस दिस, तो मैं ऐसे बोलूँगा ना कि भाई टाइटल इक्वल्स टू दिस, तो क्या होगा इसके ऊपर जो सर्च परफॉर्म होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, वो इंडेक्सिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, वो इंडेक्सिंग की वजह से। इवन उसका क्या हिसाब किताब है कि अगर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट भी है ना, तो वो 3 या 4 आइट्रेशन में या मैक्सिमम 10 या 12 आइट्रेशन में वो तलाश करके मुझे लाके दे देगा। सही है। अच्छा, ये आइट्रेशन क्यों मेरे लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो मेरा डेटाबेस है ना एटलस, जो मोंगोडीबी एटलस, वहाँ पे भी मुझे रैम और थोड़ा सा प्रोसेसर चाहिए होता है जिस पे वो क्वेरी को चलाता है, और वो सारा जो लूप मैं यहाँ चलाता था ना वो डेटाबेस में चलेगा। तो डेटाबेस की भी यूटिलाइजेशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे डेटाबेस में बहुत सारी क्वेरी एक साथ चली जाती है और वो एफिशिएंट नहीं है, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, डेटाबेस मेरा बैठ जाएगा, डेटाबेस स्लो डाउन हो जाएगा, डेटाबेस का रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, रिस्पांस टाइम का मतलब है कि जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो कितनी देर में रिस्पांस आता है, तो रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा, तो मेरा डेटाबेस स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जिस चीज़ से मुझे बार बार सर्च करना पड़ता है उसके ऊपर मैं इंडेक्सिंग लगा देता हूँ। सही है, इंडेक्सिंग लगाने से जब मैं उस की से ढूंढता हूँ तो मुझे जल्दी मिलता है। ठीक है, मैं अगर मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया है, मैंने टाइटल पे अगर इंडेक्सिंग की हुई है तो टाइटल से ढूंढूंगा तो जल्दी मिलेगा। तो अंडरस्कोर आईडी पे बाय डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी इंडेक्सिंग लगा देता है, समझ रहे हो बात, क्योंकि खुद इशू किया उसने और उस पर इंडेक्सिंग लगा देता है। अच्छा, इंडेक्सिंग जिस की पे हुई भी होती है उससे वो जल्दी सर्च करके क्यों लाता है, ऐसा क्या होता है उसके साथ कि वो जल्दी सर्च करके लाता है? एक दोस्त ने ये बात बताई है, और कोई अपना ओपिनियन देना चाहे कि इंडेक्सिंग करने पे ऐसा क्या हो जाता होगा? ऐसी गैस करो, ज़रा सोचो, कोई दिमाग लड़ाओ, अपने हिसाब से रखता है, ऐसे रखता है कि उसको गेट करने में आसानी होती है। नहीं, आईडी तो चलो यूनिक है ही, मैं टाइटल पे भी तो लगा सकता हूँ ना, टाइटल तो यूनिक नहीं होगा, टाइटल तो एक जैसे टाइटल दो पोस्ट के भी हो सकते हैं ना। हाँ भाई, हाँ भाई क्या लगता है? अच्छा, इंडेक्सिंग बाय द वे हर डेटाबेस में होती है, सीक्वल में भी होती है इंडेक्सिंग। मतलब ऐसा कोई भी डेटाबेस नहीं है जिसमें इंडेक्सिंग ना होती हो, ये डेटाबेस फंडामेंटल ही है। जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हमने पढ़ा था ना कि जी ये वो चीज़, जैसे फॉर लूप, इफ एल्स, स्विच, और ये वेरिएबल बनाना, और ये कंडीशनल ऑपरेटर, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल थे ना। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें ये चीज़ें ना होती हों। तो इसी तरह ये इंडेक्सिंग जो है ना, क्या चीज़, करड ऑपरेशन, जो 4 ऑपरेशन हमने किए हैं, क्रिएट, डिलीट और एडिट के, और उसके ये करड ऑपरेशन, क्वेरी करना, और क्वेरी के अंदर भी 4-5 ऐसी जो मेन क्वेरी है वो हर डेटाबेस में होती है, वो डेटाबेस फंडामेंटल्स हैं। तो इंडेक्सिंग उनमें से एक है, इंडेक्सिंग जो है वो डेटाबेस फंडामेंटल है, ये हर डेटाबेस में होता है, इसके बगैर डेटाबेस मुकम्मल ही नहीं होगा। हाँ भाई क्या लगता है? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, असल में होता ये है कि उस पे ना, जिस चीज़ पे हम इंडेक्सिंग लगा देते हैं ना, जिस की पे, उसके ऊपर फिर वो परफॉर्म करता है बाइनरी सर्च। ठीक है, अच्छा बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च ये होता है, अच्छा लास्ट क्लास में वैसे मैंने जिक्र किया था बाइनरी सर्च का, किसी ने सर्च किया है कि जाके कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? अगर किया तो ज़रा खड़ा होकर बताइए, या वैसे ही किसी को पता होगा पहले से, व्हाट डज इट मीन बाय बाइनरी सर्च? अच्छा, तो बाइनरी सर्च को ज़रा हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं।
सेशन एक्सपायर कर देता है एक तो ये बार बार। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था अच्छा ये भी जो बाइनरी सर्च का टॉपिक है ये भी किसमें पढ़ाते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में पढ़ाते हैं सही है तो वो अप्लाई जो है ना यहाँ पे हुआ हुआ है पहले से क्या हो रहा है इसको लॉगिन क्यों नहीं करना दे रहा है ये अच्छा इसको मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे ना गिव मी एन एरे ऑफ रैंडम नंबर्स अब देखते हैं मुझे ये 300 रैंडम नंबर का एरे देता है कि नहीं देता ठीक है ये मैंने 300 नंबर्स का ना एक एरे मंगवाया है सही है कर रहा है जनरेट अभी ये यार एक तो बड़ा स्लो चलता है इसके अंदर ये बड़ा मसला है अच्छा अब देखो 300 मेरे पास ये नंबर्स हैं सही है मेरे पास ये 300 नंबर्स हैं अब मुझे ना इसके अंदर सर्च करना है कोई एक नंबर मेरे पास आता है मुझे आया कि सर्च करके वो नंबर कहाँ पे है वो ला के देना है ठीक है और या तो मुझे ये बता देना है कि अगर वो नंबर नहीं है तो मैं बता दूँगा नहीं है अच्छा अब ये काम मैं कैसे करूँगा अगर ये कंप्लीट हो गया है इसका कोड वेल चलो जितना भी हुआ है इसका कोड ना इसको मैं ज़रा पकड़ लेता हूँ और इसको मैं ला के क्या कर देता हूँ इसको ज़रा अभी कोडिंग शुरू करते हैं अब इसकी हम मैंने कहा कि यार लेट ए इक्वल्स और मैंने ये पेस्ट कर दिया पूरा ना ठीक है मैंने कहा ए डॉट लेंथ पाँच सौ सात इंडेक्सेस का मुझे इसने एरे लाके दिया ठीक है हालांकि मैंने बोला था 300 का लेकिन इसने मुझे 507 नंबर्स का एक एरे लाके दिया अच्छा अब मुझे इसके अंदर ना एक सर्च चलाना है मुझे एक नंबर मिलता है मिसाल के तौर पे 11 तो आया कि 11 इसमें मौजूद है या नहीं है अगर है तो मुझे ला के दूँ नहीं है तो मैं मना कर दूँ कि यार नहीं है अब मैं ये काम कैसे करूँगा मैं चलाऊँगा फॉर लूप सबसे पहले ठीक है ना मैं फॉर लूप चलाऊँगा इसमें अभी एक तो बॉटम पे चला जाता है बिल्कुल ही चलो खैर और फॉर लूप चला के मैं कहता हूँ कि यार लेट आई इक्वल्स ज़ीरो और आई जब तक छोटा रहे कैसे ए डॉट लेंथ सही है और आई प्लस प्लस ठीक है इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक अदद इफ और इस इफ में मैं क्या पूछूंगा मेरे पास एक गिवन नंबर होगा ऑब्वियसली ठीक है 11 जो कि मेरे केस में है तो मैं बोलूँगा कि यार अगर ए का जो इंडेक्स आई है अगर इक्वल्स इक्वल्स आई है 11 के तो क्या कंसोल करो कौन सी ओ एन एस कंसोल डॉट लॉग करो कि जी फाउंड एट इंडेक्स और यहाँ पे मैं आई प्रिंट करा दूँ ना कि भाई फला इंडेक्स पे ये मिल गया मुझे नंबर फला इंडेक्स पे मुझे ये नंबर मिल गया और इस फॉर हर फॉर लूप के ऊपर मैं क्या कंसोल कराऊँ एक आइट्रेशन कंसोल कराऊँ ठीक है कंसोल डॉट लॉग कि कितने आइट्रेशन में ये मिला है मुझे आइट्रेशन नंबर सबसे पहला नंबर क्या लिखना है मुझे 1 तो आई प्लस 1 करूँगा मैं तो ये 1 लिखा हुआ आएगा पहली दफ़ा में फिर 2 फिर 3 फिर 4 अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे कितनी आइट्रेशन में ये जाके मिलता है मुझे 507 आइट्रेशन ये घूमा है लेकिन मुझे ये मिला नहीं क्यों भाई मैंने कोई गड़बड़ की थी क्या कोड में हाँ ये मिल गया ना फाउंड एट इंडेक्स अच्छा मैंने ब्रेक नहीं करवाया क्या रुक गया क्या स्क्रीन मेरी रुक गई है एक्चुअली स्क्रीन को रोक देता हूँ मैं ये कोई इंटरनेट का इशू हो गया है
भाई प्रोजेक्टर को बंद करके ऑन करो यार, मेरे पास ये शो नहीं हो रहा प्रोजेक्टर। यहाँ से असल में क्रोम कास्ट हैंग हो जाता है कभी शायद। अच्छा वेल, तो ये जो मेरे पास चलता है ना फॉर लूप, तो ये 100 आइट्रेशन पे ना मुझे ढूंढ के लाके देता है वो नंबर। चल ही नहीं रहा यार ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। एक मिनट, मैं अपने क्रोम को भी रिलाउंच, अरे यार क्रोम को रिलाउंच करूंगा तो ये जो लिखा हुआ कोड है ये तो जाया हो जाएगा। इसको प्रिजर्व कर लेता हूँ ना मैं कोड को पहले। इस कोड को भी और इस एरे को भी पूरे को मैं यहाँ पे ज़रा प्रिजर्व कर लेता हूँ। दोबारा, और ये वो वाला कोड है, इसको मैंने प्रिजर्व कर लिया था। इसको मैं कट करके ना यहाँ एक रफ फाइल बना लेते हैं और उस पर इसको हम चला के ज़रा देखते हैं ना, बजाय इसके कि हम वहाँ पे चलाएं। रफ डॉट एम जे एस कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें कुछ रफ वर्क हम कर लेते हैं। इस फाइल को हम डायरेक्ट नॉट स्पेस फाइल नेम करके चला सकते हैं, राइट। तो मेरे पास ये एरे है जिसमें कोई 300-400 पता नहीं 500 इंडेक्सेस हैं, और मैंने ये फॉर का लूप चलाया है, और हर आइट्रेशन पे मैं क्या करता हूँ, आइट्रेशन का नंबर प्रिंट कराता हूँ कि ये कितने नंबर में आइट्रेशन है, सही है। और हर दफ़ा इफ़ लगाता हूँ, जहाँ पे मिल गया ये वहीं पे मैं एरे को लूप को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा कि भाई नॉट स्पेस रफ आर ओ यू जी रफ डॉट एम जे एस। तो अब देखो आइट्रेशन नंबर 100 पे जाके ना इसको ये मिल जाता है, और इंडेक्स नंबर 99 था वो वहाँ पे उसको बोलता है कि भाई मिल गया मुझे, ठीक है। अच्छा अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ इसमें से 177 अगर सर्च करता हूँ मैं, ठीक है 177, तो ये अब देखते हैं कहाँ मिलता है। 201 नंबर इंडेक्स पे ये जाके मिला है, और 202 आइट्रेशन किए टोटल इसने। तो इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर सर्च, कि ये लाइन से उसको ढूंढेगा, जीरो से शुरू करेगा। बेस्ट केसेस में ये होगा कि जीरो नंबर पर ही मिल जाए, और वर्स्ट केसेस में ये होगा कि बिल्कुल आखिर तक जाए। ये इसके केसेस हैं, ठीक है, ये समझ आ गई बात। ये लीनियर सर्च है, जो सबसे पहला आपके जहन में आएगा ना ह्यूमन माइंड में, वो लीनियर सर्च आएगा। क्या इसके अंदर कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये 200 आइट्रेशन को मैं 4 या 5 या 6 आइट्रेशन पे ले आऊँ, ज़रा कम कर दूँ इसको, या 200 से एटलीस्ट इसको मैं 100 पे ले आऊँ, या 200 से एटलीस्ट मैं 190 पे ले आऊँ। कोई ऐसी चीज़ जहन में आ रही है किसी के? सही है जी, ये मेरे पास ये पूरा का पूरा एरे है। अच्छा इसमें कोई ऐसा नंबर अगर आ जाता है मेरे पास जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि 500 एक नंबर है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता आई होप, तो अब क्या होगा कि ये 500 दफ़ा घूमेगा, 507 दफ़ा ये घूमा है टोटल जितने इंडेक्सेस थे एरे के, और ये उसने बोला कि भाई मुझे तो नहीं मिलता। हाँ एरे सॉर्ट करने के बाद, अच्छा हम जब, क्योंकि हम बाइनरी सर्च की बात कर रहे थे, तो बाइनरी सर्च इस पर हम लगाएंगे ना अगर, तो ये बहुत ही कम आइट्रेशन में मुझे ढूंढ के ला के दे देगा। लेकिन उसके लिए मेरी शर्त क्या है बाइनरी सर्च को लगाने के लिए, मेरी शर्त ये है सबसे पहली कि जो मेरा डेटा है ना वो सॉर्टेड होना चाहिए,
अब इसको मैं सॉर्ट कैसे करूँगा, इसको मैं करूँगा कि भाई ए इक्वल्स टू ए डॉट सॉर्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ इस पूरे को उठा के ना ज़रा गूगल क्रोम पे ले जाके मैं सॉर्ट करके ही ले आता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो इंस्पेक्ट करके ना, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको और मैं कहता हूँ ए डॉट सॉर्ट, सही है, तो ये सॉर्ट हो गया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, उठा के राइट क्लिक करता हूँ कॉपी ऑब्जेक्ट और मैं इधर लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ पूरे को। यार ये क्या बकवास है, ये सॉर्ट तो हो गया लेकिन ये सीधा हो गया ना। ऐसे तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं होगा ये। मैंने कहा फाइंड कॉमा, कॉमा फाइंड करो, कॉमा इसी के साथ ही है सिर्फ, और इधर यहाँ कहीं नहीं है कॉमा। अच्छा नहीं, यहाँ भी कॉमा है, चलो। और मैं बोलता हूँ कि कॉमा को रिप्लेस करो कॉमा और साथ में, नहीं एक मिनट, कॉमा और मुझे न्यू लाइन को सर्च करना है ना, ऐसे ये वाला मुझे ये सर्च करना है। और मैं बोलता हूँ इसको सिंगल कॉमा से रिप्लेस मारो, रिप्लेस ऑल, सही है, सीधा हो गया ये। अच्छा अभी देखो इसमें मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक एक नंबर ना चार चार पाँच पाँच दफ़ा है इसमें, ठीक है। जैसे 110 देखो तीन दफ़ा है, 112 जो है वो दो दफ़ा है, ठीक है। तो हम जब बाइनरी सर्च के लिए बनाते हैं ना डेटा, तो हम इसमें यूनिक रखते हैं, यही वजह है कि हमारा जो अंडरस्कोर आईडी है वो यूनिक है, ठीक है। लेकिन इस पर भी चल जाएगा बाइनरी सर्च, मसला नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च इस पर जब चलेगा ना तो ये दो तीन 110 में से कोई एक ही ला के देगा जो सबसे पहला होगा या शायद दरमियान वाला, ठीक है। तीनों अलग अलग तो मैं गाइड कर नहीं सकता ना, फिर उसके साथ कुछ और भी चाहिए होगा। तो आइडियल ये हो कि यूनिक नंबर हो, लेकिन फिर भी मेरे पास जो गिवन वो था ना, जो मेरे पास क्या था वो 177 था, राइट। ए इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ए इक्वल्स टू मैंने मिस कर दिए हैं, ठीक है। 162 पे ही अब मिल रहा है, यानी सॉल्ट होने के बाद जाहिर है चीज़ों का इंडेक्स जो है चेंज हो गया। यार ये क्या सीन है, यहाँ पे 99 लास्ट में आ रहा है, ये कौन से बाइनरी में सॉर्ट कर दिया इसने। ये सॉर्ट इसी तरह चलता है ना जैसे हमने चलाया है, एक मिनट, हम सॉर्ट इसी तरह चलता है या कोई और तरीका है सॉर्ट चलाने का। ओ अच्छा, सॉर्ट का जो नंबर को सॉर्ट करने का सही तरीका ये वाला है। अब ये क्यों है सही तरीका, ये अभी हम बाद में देखते हैं इसको, अभी रेलेवेंट नहीं है ये, ठीक है। अभी रेलेवेंट ये है कि जो है ना हम वो कर रहे हैं जो, ठीक है, ए डॉट सॉर्ट और फंक्शन ए माइनस बी और ए माइनस बी, बस अब सही हुआ जाएगी, सही है। राइट क्लिक किया मैंने कॉपी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर अब मैं ये वाला ला के पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल एफ़ किया, मैंने कहा रिप्लेस करो इसको प्लेन इससे, ऐसे किया तो ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें वो वाला इशू नहीं है, अब ये सही सॉर्ट हुआ है, प्रॉपर सॉर्ट हुआ है, ठीक है। अब सॉर्ट में क्यों वो कॉम्प्लिकेशन है वो उसको अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर 177 है इस सॉर्टिंग के बाद वो जा चुका है किस पे, 362 आइट्रेशन पे जा चुका है। 362 आइट्रेशन होती है ना तो ये सर्च करके लाता है। अच्छा, तो इस वाले फॉर लूप को मैं क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ अब, और इसको साथ में बता देता हूँ कि क्या है इसका नाम, इसका नाम जो है वो लीनियर सर्च है, ठीक है। लीनियर सर्च में चलाता हूँ तो मुझे इसके अंदर जो मेरे पास जो बेस्ट केस है वो क्या है, ज़ीरो है, सही है, और वर्स्ट केस जो है डब्ल्यू आर ओ एस टी, सही तो लिखा है मैंने, वर्स की स्पेलिंग यही होती है ना, वर्स केस जो है वो क्या है मेरे पास, एन है, सही है। वर्स केस जो है वो एन का मतलब क्या है कि जो भी लेंथ है मेरी, या
सही है, जो भी लेंथ है वो मेरी वर्स्ट केस है। अच्छा अब हमने कौन सा बनाना है, अब हमने बनाना है बाइनरी सर्च। अच्छा बाइनरी सर्च में कुछ भी नहीं होगा, चलेगा बिल्कुल उसी तरह फॉर लूप जैसे पहले चलता था, ठीक है, यानी कि मेरा जो वो ज़ीरो से शुरू होगा और वो उसकी लेंथ तक जाएगा। लेकिन सबसे पहली आइट्रेशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहली आइट्रेशन में मैं ये चेक करूँगा कि ये जो ए डॉट लेंथ है ना मेरे पास, ए डॉट लेंथ क्या है, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा। मैंने निकाला कि भाई लेट मैंने लेंथ को अलग कर लिया, मैंने कहा भाई लेंथ सबसे पहले क्या है। अब इसको मैं बीच में से काटूँगा, देखो मेरा जो गिवन नंबर है ना वो मेरे को अभी पता नहीं है मुझे क्या है, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं कि 177 हमारा गिवन नंबर है। अब 177 जो है ना ये मेरा सॉर्टेड एरे है पूरा, इसको मैं दरमियान से काटूं, सही है, दरमियान से मैं क्या करूं इसको कट करूं, तो या तो मेरा वही नंबर होगा जो मैं सर्च कर रहा हूं, या तो वो इसके लेफ्ट साइड पे होगा या तो वो इसके राइट साइड पे होगा, यही होगा ना। देखो मिसाल के तौर पे मेरा जो सेंटर वाला नंबर है, इमेजिन कर लेते हैं कि ये 141 मेरा सेंटर आ गया, मैंने वो जो क्या था 507 था ना इसका टोटल, तो 507 को डिवाइड मारा दो जगह जो भी आंसर आया मेरे पास, तो या तो वो लेफ्ट पे मुझे मिलेगा उसके या तो वो राइट पे मुझे मिलेगा, ऐसे ही है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लेफ्ट पे भी ना हो और राइट पे भी ना हो। अच्छा क्या होगा मतलब अगर वो 141 के केस में जो मेरा क्या नंबर है, मेरा नंबर है 177, तो मेरा नंबर 141 से लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, राइट पे होगा, क्यों कि 141 से वो बढ़ा है और मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो लेफ्ट वाला पूरा का पूरा एरे है ना उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा और मेरे पास सिर्फ राइट वाला एरे रह गया। अब मैंने इसमें तलाश करना है, आसान हो गया काम, आधा साइड पर हो गया, यानी 500 आइट्रेशन थी ना टोटल, 250 को हमने साइड पे कर दिया, अब मुझे वो मिलेगा राइट वाले पे, सही है। अच्छा आ जाते हैं भाई इस पे, हम मैंने कहा कि भाई लेट मिसाल के तौर पे लेफ्ट को मैं अलग करूँगा और राइट को अलग करूँगा ना, मैं लेफ्ट इक्वल्स टू ए डॉट ए डॉट स्प्लाइस, राइट, स्प्लाइस या स्लाइस से भी हो जाएगा बल्कि काम मेरा, स्लाइस का काम जस्ट कॉपी करना होता है ना, स्लाइस कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता, स्लाइस का काम जस्ट कॉपी करना होता है। तो मैं ए का एक कॉपी बना रहा हूँ, कौन सी कॉपी बना रहा हूँ, जीरो से लेके दरमियान तक की, और दूसरी कॉपी मैं बना रहा हूँ दरमियान से लेके एंड तक की बना रहा हूँ ना, तो मैं इसको बोलूँगा इसको मैं मिड बनाता हूँ ना, मिड का बनाता हूँ, डिवाइड बाई टू, सही है, इसको मैंने क्या किया डिवाइड बाई टू कर लिया। अच्छा डिवाइड बाई टू में हो सकता है नंबर पॉइंट वाला आ जाए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, पारसेंट कर देता हूँ, क्योंकि वो इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली इंडेक्स, तो मैंने ये मिड कैलकुलेट कर लिया इसका। अब मिड कैलकुलेट कर लिया मैंने इसका, तो अब ये मिड से जो लेफ्ट साइड है वो मैं करता हूँ ज़ीरो टू मिड, इसको मैं बना लेता हूँ लेफ्ट, और मिड के बाद जो ऑनवर्ड है उसको मैं बना लेता हूँ राइट बना लेता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट में मैंने बोला है कि भाई आप ज़ीरो से शुरू करो और कॉमा डाल के आप कहाँ तक डालो, मिड तक इसमें उठा लो आप, ये मेरी बन गई लेफ्ट साइड पूरी, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब मैं बना लूँगा लेफ्ट राइट साइड, जो कि मिड से शुरू होगी मेरी और कहाँ जाएगी, ए डॉट लेंथ तक जाएगी, सही हो गया, ये मैंने दो साइडें बना ली। अच्छा जस्ट टू मेक श्योर स्लाइस को ज़रा देख लेते हैं कि स्लाइस के दोनों पैरामीटर कौन कौन से हैं, मतलब ज़ीरो से लेके मिड तक में, तो क्या मिड इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ये ज़रा देखना पड़ेगा ना, मैं क्योंकि बीच में एक नंबर मिस ना हो जाएगी, पता चला हमने रेड लाइट के चक्कर में एक बीच वाला मिस ही कर दिया, तो हमारा एल्गोरिथम उससे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि यार स्लाइस JS इसके ज़रा पैरामीटर देख लूँ मैं एक दफ़ा, ठीक है, स्टार्ट और एंड है,
एंड वाला जो जीरो बेस्ड इंडेक्स है विच एंड एक्सट्रैक्शन नॉट इंक्लूड द एंड, ठीक है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है, इंक्लूसिव नहीं है, तो इसका मतलब है मिड को ये शामिल नहीं करेगा इस वाले पार्ट में। अच्छा, तो फिर अगला मैंने मिड से शुरू किया तो यहाँ पे मिड ये शामिल कर लेगा, और यहाँ पे मैंने ए डॉट लेंथ डाला है ना, तो ए डॉट लेंथ, अच्छा इंडेक्स है ना ये, सही है, इंडेक्स लेंथ एक ज़्यादा होती है, इंडेक्स एक कम होता है, मतलब कोई 10 इंडेक्स का एरे है तो उसमें 0 से 9 तक इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10, तो 10 को शामिल नहीं करेगा, 9 तक वो शामिल करेगा, ठीक है, तो मेरा बिल्कुल सही बना है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, कोई इसमें गड़बड़ नज़र आ रही किसी को? सही है जी, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब क्या होगा, अब मैंने जो अगली आइट्रेशन है ना उसमें क्या करना है, अगली आइट्रेशन में मैंने इफ़ लगाना है, यहाँ पे एक अदद मैंने इफ़ लगाना है, और मैंने क्या करना है कि मैंने चेक करना है इफ़ मेरा जो गिवन नंबर है, यहाँ पे मैं इसको गिवन नंबर को भी ना कॉन्स्ट गिवन क्वेरी इक्वल्स टू 177, राइट, यहाँ से हटा देता हूँ मैं उसको। तो अब ये गिवन क्वेरी को जो है ना मैंने क्या करना है, चेक करना है, अगर गिवन क्वेरी इक्वल्स इक्वल्स है, ठीक है, किसके इक्वल्स है, मेरा जो एरे था, ए है ना मेरे एरे का नाम, मैंने कहा ए डॉट ए का इंडेक्स मिड, ए का इंडेक्स मिड है ना, जो नहीं दरमियान वाला जो मैंने पीस पकड़ा है, अगर वो इसके इक्वल है अगर, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार फाउंड कॉन्सोल डॉट लॉग फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम लिख दोगे आपके यार कौन सा इंडेक्स है, ये मिड जो भी इंडेक्स है, ठीक है, मिड होगा ना जो भी इंडेक्स होगा, अगर तो ये मिड के इक्वल हो गया, दरमियान वाला पकड़ा है मैंने, अगर उसी के इक्वल हो गया तो मैं वहीं बता दूंगा, मैं आगे की कोई बात ही नहीं करूंगा। और अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, इसमें चार इक्वल लग गया, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है एल्ज इफ के जो है ना जो भी है गिवन क्वेरी जो है वो छोटा है मिड से, वो मिड से क्या है छोटा है अगर, तो मैं क्या करूँगा इसको मतलब छोटे का मतलब है कि फिर मैं लेफ़्ट वाले पे सर्च करूँगा, राइट वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह एल्स इफ मेरे पास जो है क्या होगा, वेल अब तो सिर्फ इसमें एल्स भी लगा दूँ चल जाएगा, लेकिन क्योंकि और कोई सिचुएशन बची नहीं है, लेकिन चलो फिलहाल के लिए मैं इसको ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, अगर जो है ये बड़ा है, अगर गिवन क्वेरी बड़ा है मिड वाले से बड़ा है, तो इसका मतलब है राइट वाले पे सर्च करूंगा मैं, ठीक है, तो इस जगह पे मैं आगे क्या करूंगा, राइट डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ठीक है सर्च इन लेफ्ट डायरेक्शन कर दिया मैंने। अब ये मेरा क्या होता जा रहा है, एल्गोरिथम मेरा रेडी होता जा रहा है। अच्छा, अब मैंने दूसरी आइट्रेशन चलानी है, लेकिन उस दूसरी आइट्रेशन में मुझे डेटा क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा देना है, या तो लेफ़्ट देना है या तो राइट देना है। अब ये काम मैं कैसे करूँ, फॉर लूप तो लगा हुआ है, फॉर लूप के अंदर ही हूँ मैं अभी, हाँ एल्स इफ के अंदर एक और फॉर लूप लगेगा, एक तरीका और भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तो इसको फंक्शन से करते हैं ना, फंक्शन रिकर्सिव कॉल से करते हैं, लेकिन हम लूप से भी कर सकते हैं। अगर मैं ये करूं इस जगह पे आके कि मैं ए को ही मॉडिफाई कर दूं, मतलब ए में जो भी डेटा था, अच्छा अगर ए को मॉडिफाई कर रहा हूं ना, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए की मैंने कॉपी बनाई हुई है, एक्चुअल डेटा को तो नहीं मॉडिफाई करते हम, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ए की मैंने कॉपी बनाई हुई है, इसको मैं बना लेता हूं ना, कॉपी बना लेता हूं ए की, लेट तो रुक गया ये इक्वल्स टू यार, ये क्यों रुक जाता है बार बार,
अच्छा तो मैंने ना डेटा की एक कॉपी बना ली इस ए की, क्योंकि मैं इस ए को एक्चुअल को मॉडिफाई तो कर नहीं सकता, अगर मैं मॉडिफाई कर दूंगा तो मेरा डेटा लूज कर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसकी मैंने कॉपी बना ली है, और ये जो मैंने कॉपी बनाई है ये इंडिपेंडेंट कॉपी है, क्लोन किया है इसको मैंने, एरे को मैंने क्लोन किया है। सब लोगों को पता है ना क्लोनिंग का क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं इंडिपेंडेंट कॉपी बना रहा हूँ, ये आपस में रिलेशन इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। और अब मैंने लेफ्ट बनाया है, मैंने राइट बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, अगर तो मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, अब ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, मैं लेफ्ट डायरेक्शन में सर्च करना है ना, तो मैं बोलूँगा लेफ्ट, और मैं लेफ्ट की क्या कर दूंगा यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट कॉपी बना के इसको यहाँ पे दे दूंगा लेफ्ट, कि अब क्या हो चुका है, ए मॉडिफाई हो चुका है और लेफ्ट है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको राइट कर दूंगा। तो यहाँ पे ए को ही मैंने मॉडिफाई कर दिया, जब मैं ए को मॉडिफाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इस जगह पे आके या तो इस जगह पे आके एक आइट्रेशन मेरी पूरी हो गई। अब इन तीन में से कोई एक इफ ट्रू होगा, अगर तो ये पहला इफ ट्रू होता है तो यहाँ पे ब्रेक भी कर दूंगा मैं हाथ के हाथ, ठीक है, ब्रेक कर दूंगा, मुझे मजीद आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अच्छा मैंने कितनी नंबर आइट्रेशन है वो भी प्रिंट नहीं करवाई मैंने, वो भी प्रिंट करवा देता हूँ कि आइट्रेशन नंबर कितनी है ये। सबसे पहली लाइन में मैंने आइट्रेशन नंबर कितनी है वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इसका ज़रा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर लेते हैं इसकी, कि क्या होगी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये आप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। 10 एरे से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक आप समझ लें कि एक एरे है, तो इसमें से मैंने क्या किया, मैंने मिड कैलकुलेट किया, मिड इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का मैंने मिड पकड़ा तो क्या आया, 10 डिवाइड बाई 2, 5, सही है। तो 1, 2, इंडेक्स 5 हो गया ना, ये तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा मिड पकड़ में आया, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने पहले इससे कंपेयर किया, अगर इसके इक्वल था तो ठीक है, अगर इसके इक्वल नहीं था, इससे छोटा था अगर, ठीक है, इससे अगर छोटा था तो मैंने बड़े वालों को सबको एलिमिनेट कर दिया, और अब मैं इतने पे चला रहा हूँ इसको। अच्छा क्या मुझे इस मिड वाले को भी रखने की ज़रूरत है, मिड वाले को भी मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिड से तो कंपेयर कर चुका हूँ ना मैं, दोबारा क्यों कंपेयर करूँगा। तो मेरे इस केस में शायद मैंने मिड वाले को रखा हुआ है, जीरो से मिड को मैंने बनाया है लेफ्ट राइट, अच्छा इस मिड को इंक्लूड नहीं करेगा ये, तो यहाँ पे मैं मिड के एक आगे वाले से शुरू करना चाहिए मुझे, मिड को इंक्लूड थोड़ी रखूँगा क्योंकि मिड से तो मैं कंपेयर कर चुका हूँ पहले ही, तो मिड प्लस वन करूँगा मैं यहाँ पे, मिड प्लस वन से शुरू करवाऊँगा, मिड को इंक्लूड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिड को तो मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ। सॉरी पहले केस में क्या मसला आएगा, ठीक है। तो मैंने ये मेरा लेफ्ट राइट बना दिया, अच्छा फिर मैं मिड से कंपेयर करता हूँ, अगर मिड के इक्वल है तो यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ, अदरवाइज मैं अगले पे चला जाता हूँ जिसमें मैंने ए को या तो लेफ्ट बना दिया या तो राइट बना दिया, यानी राइट का जो पार्ट था वो उठा के मैंने अब ए में डाल दिया, ए को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब अगली आइट्रेशन चलेगी, अगली आइट्रेशन में क्या होगा, अब मुझे जो मिलेगा ना यहाँ पे ए, सॉरी मैंने ए क्यों किया हुआ इसको, तो ये तो डेटा कॉपी थी ना, डेटा कॉपी मैंने इसका नाम रखा था, अब तो अब की बार क्योंकि मैं कॉपी पे चला रहा हूँ, डेटा कॉपी सही हो गया, यहाँ इन दोनों पे भी डेटा कॉपी आएगा, फिर स्टॉप हो गई, यार सब आप लोग अपना अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट करो यार, शायद वाईफाई पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। अच्छा तो ये मेरी लॉजिक पूरी की पूरी तैयार है, अगर तो मैंने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की है ना तो ये सही चलेगा। आमतौर पे इसको रिकर्जन के थ्रू चलाते हैं वैसे,
ठीक है, फंक्शन कॉल के थ्रू चलाते हैं, लेकिन हमने इसको लूप के जरिए बना लिया। अब ये लॉजिक यही है, आप इसको जैसे मर्जी चलाएं, ठीक है। एक ही काम इसी तरीके को करने के तीन चार अलग अलग हो सकते हैं कि जी रिकर्जन कॉल से या फॉर लूप से, या आप इसको वाइल लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल करे। तो इसको मैं ज़रा दोबारा से चलाता हूँ, और अब की बार ये क्या हुआ, फाउंड एट इंडेक्स 3 बोल दिया इसने। पहले किस पे हुआ था फाउंड, 361 पे हुआ था, 7 आइट्रेशन में ढूंढ के ले आया और इसने बोला फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। अच्छा, ये इंडेक्स नंबर 3 क्यों बोल रहा है? ये इंडेक्स नंबर 3 इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं लेफ्ट वाले को पूरे को डिस्कार्ड मारता हूँ, और लेफ्ट वाले को पूरे को डिस्कार्ड मारने के बाद वो जो पीस बचता है ना मेरे पास, इसलिए मुझे वो इंडेक्स पूरे होल एरे का इंडेक्स नहीं मुझे मिल पा रहा। अब इसके लिए क्या हल निकाला जाए, लेकिन बहरहाल वो ढूंढ के ले आया है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस आइट्रेशन के साथ साथ ना इस पूरे एरे को भी प्रिंट कराता हूँ कि आपको दिखेगा बकायदा वो कैसे उसको छोटा कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार इसमें एक कंसोल डॉट लॉग और लगाओ, और इसमें क्या कर दो, ये पूरा डेटा कॉपी के अंदर इस वक्त जो भी है ना उसको पूरे को प्रिंट करवाओ। तो आप देखेंगे किस तरह से ना इसने छोटा किया है एरे को, ये देख रहे हैं आप। आइट्रेशन वन पे इस पे 407 आइटम थे, दूसरी आइट्रेशन भी कितने हो गए, 153 आइटम हो गए, फिर तीसरी आइट्रेशन भी कितने हो गए, 26 आइटम हो गए, फिर चौथी पे कितने हो गए, 26 से कम हो गए, ठीक है। फिर पांचवी पे देखो ये आ गया, और छठे पे जाके ना और छोटा हो गया, और सातवें पे वो किसी एक से मैच हो गया। अच्छा, हमारे पास क्योंकि यूनिक नहीं है तो आप देखें 177 जो है ना इधर भी आ रहा है, और अच्छा 177 वैसे एक ही है बाय द वे, दो तीन नहीं है, ठीक है। 177 एक ऐसा नंबर है जो हमारे एरे में एक ही दफ़ा आया है, दोबारा नहीं आया। हाँ, 7 आइट्रेशन में इसको मिला, ये 7 दफ़ा घूमने पे ये लेकर आ रहा है, जिसको ये पहले कितने पे लाता था, पहले लाता था ये 362 आइट्रेशन में लाता था पहले। आइट्रेशन 4 में नहीं, नहीं वो तो इसको नैरो डाउन करता जा रहा है ना, वो तो सब में होगा भाई। आप इसमें भी देखोगे ना तो 177 इसमें मिलेगा आपको, इसमें भी 177 मिलेगा क्योंकि नैरो डाउन कर रहा है ना उसको ये। अब आप देखें इस वाले में जो 177 है वो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर होने का मतलब क्या है कि ये पूरा एक एरे है, इसको दरमियान से पकड़ेगा ये यहाँ से और काट देगा बीच से। तो अगला जो आइट्रेशन होगी ना उसमें ये पार्ट होगा, होना चाहिए, ठीक है। देखो यही पार्ट है, एग्जैक्टली यही पार्ट है, नोट कर रहे हो। अब देखो, अब इसके अंदर ये 177 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो इसको ये पकड़ेगा दरमियान से, यहाँ से कहीं से पकड़ेगा, और लेफ्ट पे या राइट पे, लेफ्ट पे, तो ये लेफ्ट वाला होगा अगले में। ये देखो लेफ्ट पे अगले वाले में 179 से 171 तक है, अभी भी ये पकड़ में नहीं आया। अब इसको ये मजीद किससे पकड़ेगा, दरमियान से, शायद यहाँ से पकड़ेगा इसको ये। अब लेफ्ट है या राइट है, राइट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको ये इतने को पकड़ेगा। देखो एग्जैक्टली इसी तरह किया है इसने, बल्कि यहाँ से पकड़ा है, ये है इसका मिनट, यहाँ से पकड़ा है। अब की बार ये क्या हुआ है, इस आइट्रेशन में जाके 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड वाले में कौन सा पकड़ में आया है, ये वाला, मिड से कॉम्पेयर मारा, मैच हो गया। तो इस तरह ये क्या किया इसने, 7 आइट्रेशन में इसको मिल गया ये आइटम, ये बाइनरी सर्च में। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, एक नंबर, एक 500 नंबर इसको मैं देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता मेरे कोड में, मेरे पूरे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कितनी आइट्रेशन में ये बता देगा मुझे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, 7 या 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 आइट्रेशन में, क्योंकि देखो 7 पे तो ये 6-7 रह गए बीच में। तो अब इसको ये मजीद काटेगा एक पे तो 3 हो जाएगा, अगले में काटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक ही रह जाएगा आखिरी। तो ये 10 आइट्रेशन से ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। 6 आइट्रेशन के बाद 7वीं आइट्रेशन नहीं हुई है, क्या चक्कर हुआ भाई? नहीं, वो उसको 1 तक लेके जाना चाहिए था, आइडियली इसको जो है ना 1 तक लेके जाना था। अच्छा, असल में हमने ना इसको फॉर लूप से किया इसलिए सही चल नहीं रहा। पता है क्या हुआ है यहाँ पे, अभी ये 0 तक क्यों नहीं गया, ये 0 तक इसलिए नहीं गया कि देखो छठी आइट्रेशन थी ना, तो इसने जब इसको काटा ना तो 6 बना इसका, तो वो ये वाला फॉल्स हो गया आइटम, तो इसलिए वो छठे पे आके रुक गया, उससे आगे गया नहीं वो। सही है, आइडियली ये होगा रिकर्जन से, फंक्शन कॉल से होगा, कि वो एक फंक्शन कॉल होती है उसके अंदर दूसरी कॉल होती है उसके अंदर तीसरी कॉल होती है, तो उसमें ये पूरा 0 तक जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा फॉर लूप से जो मैंने किया ना इस तरह ये नहीं होगा एक्चुअली। इसको करना मुझे किससे पड़ेगा,
इसको मैंने फंक्शन कॉल से ही करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल से बता देता हूँ कैसे होगा। ये फंक्शन कॉल से ही होगा कि ये फॉर लूप की जगह ना ये क्या होगा, एक अदद फंक्शन होगा ये, ऐसे एक फंक्शन होगा। इसको मुझे क्या मिलेगा, इस फंक्शन के अंदर एक डेटा मिलेगा, ठीक है, डेटा की कॉपी एक्चुअली मिलेगी। ये इसको मैं डेटा ही कॉल कर लेता हूँ। और अब जो ये डेटा होगा ना ये, अच्छा इसमें ब्रेक कॉल नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से एक फंक्शन होगा ये, इसको डेटा मिलेगा और इस डेटा को ये क्या करेगा, इस डेटा के साथ ये जो भी करना होगा ना ये उसके साथ करेगा। आइट्रेशन यहाँ पे ये चलो बता रहा है, लेकिन आइट्रेशन भी अब यहाँ पे इस तरह मैटर नहीं कर रही होगी, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया सबको। इस डेटा की लेंथ को दो में काटा, इसने मिड बनाया, लेफ्ट बनाया और राइट बनाया, ये तीन चीज़ें इसने बना ली, तो तीनों बेसिक चीज़ थी। उसके बाद गिवन क्वेरी भी मुझे यहीं पर मिलेगी, सही है। गिवन क्वेरी पहले नंबर पर होगी, डेटा सेकेंड नंबर पर होगा कि भाई ये चीज़ सर्च करके लाओ, इस एरे में सर्च करके लाओ, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद इंडेक्स भी चलो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। इंडेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट मैं जीरो पास करूँगा, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च ऐसे कॉल करूँगा। सर्च में क्या दूँगा, सबसे पहले मैं दूँगा नंबर 500 कॉमा, उसके बाद डेटा की कॉपी जिस पे मुझे सर्च करना है, और आइट्रेशन है ज़ीरो है बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ज़ीरो। अच्छा ज़ीरो को मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इस तरह भी ले सकता हूँ ना ऐसे ज़ीरो, तो मुझे यहाँ से पास करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। तो पहली दफ़ा मैं बाई डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो मुझे मिल रहा होगा, सही है। ये फंक्शन चलेगा पहली दफ़ा में, मिड से कॉम्पेयर मारा, अगर मिल गया तो यहीं पे बोला, और यहाँ पे ब्रेक नहीं, अब रिटर्न होगा क्योंकि फंक्शन को रोकने के लिए रिटर्न कॉल होता है। अदरवाइज क्या होगा, ये फंक्शन दोबारा यहाँ पे कॉल हो जाएगा, सर्च, ठीक है, गिवन क्वेरी एज इट इज़ यहाँ पे पास हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, लेफ्ट। इसको हम कहते हैं रिकर्जन। ये फंक्शन इट्सेल्फ अपने आप को अंदर कॉल कर रहा है यहाँ पे। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, आई होप कि जावास्क्रिप्ट में हमने कवर नहीं किया था ये, लेकिन आसान है बहुत, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन देखो ये ख़त्म नहीं हुआ है ये, लेकिन इसने अपने आप को दोबारा यहाँ पे कॉल कर लिया। क्यों, कि फंक्शन जब भी चलता है उसका एक इंस्टेंस बना के फिर चलता है, फंक्शन कभी जो लिखते हैं वो नहीं चलता, ठीक है। ये जैसे फंक्शन मैंने बनाया है ना यहाँ पे, तो उसको मैंने कॉल किया इस जगह पे, तो ये एक उसका इंस्टेंस बनाता है नया, और उसको मेमोरी में अलग रखता है और उसको एग्जीक्यूट मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गिवन सर्च क्वेरी पे लेफ्ट, और अब की बार मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो इंडेक्स जो भी था ना, इंडेक्स में प्लस वन करके यहाँ पे मैं डालूँगा। आइट्रेशन एक बढ़ गई ना, क्योंकि मैंने आइट्रेशन को ट्रैक करना है इस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है, आइट्रेशन को मैंने ट्रैक करना है, इस वजह से मैं इंडेक्स में क्या कर रहा हूँ, प्लस वन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जी अगली आइट्रेशन। और अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे क्या करना है, इसको सर्च करना है एज इट इज़, गिवन क्वेरी में ऐसे ही दूंगा उसको कॉमा, और अब मैं दूंगा राइट, और इंडेक्स को मैं अभी भी प्लस वन करूंगा। तो अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन पहली दफ़ा में चलेगा, तो अगर या तो डेटा लेफ्ट पे इसने जाना है आगे, या तो राइट पे जाना है, तो इसी फंक्शन को ये दोबारा से कॉल करेगा, ठीक है, इसी फंक्शन को ये दोबारा से कॉल करेगा। अच्छा और जब मुझे ये मिल जाता है, तो इसका मैं जो इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ मिड, क्या ये सही प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, हाँ मैं ये सही प्रिंट करवा रहा हूँ, सही है। जो भी डेटा मुझे मिलता है उसका लेंथ मैं करता हूँ और वो कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। स्टिल यहाँ पे मुझे इंडेक्स ना सही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं सही मिलेगा, क्योंकि अगले कॉल पे मैं वो इंडेक्स का एरे को काट के भेजता हूँ ना, एक पीस भेजता हूँ एरे का, तो मुझे उसका इंडेक्स बता देगा वो। लेकिन स्टिल अभी इंडेक्स मैटर नहीं करता फिलहाल, मैटर ये करता है कि वो चीज़ हमें मिल जा रही है, मिलने वाला काम तो हमने कर लिया था, बस अगर वो नहीं मौजूद हो डेटा, तो वो कितनी आइट्रेशन पे मुझे ये श्योरिटी से बता देगा कि डेटा मौजूद नहीं है। तो अब हम वो ज़रा करने जा रहे हैं, वो फॉर लूप में हो नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल काम होता ही इसी तरह है, रिकर्जन के थ्रू होता है। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं, क्या बोला इसने, कैन नॉट एक्सेस सर्च बिफोर, अच्छा इसको मुझे नीचे कॉल करना होगा। ये कह रहा है कि भाई आपने ये जो फंक्शन बनाया ना, ये कॉल पहले कर दिया, तो इसको नीचे ला के कॉल कर देते हैं यहाँ, फिर रुक गई। अच्छा मैंने यहाँ पे कॉन्सोल पे वो भी नहीं लिखा कि आइट्रेशन नंबर कितनी है इसकी, ठीक
ठीक है, आइट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया अब इस जगह पर, और आइट्रेशन नंबर के साथ साथ ना मैं वो डेटा भी प्रिंट करवा देता हूँ। जाहिर है जब जब ये अगली दफ़ा कॉल होगा तो क्या होगा, डेटा छोटा होता जाएगा, नैरो डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम ये भी ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह से नैरो डाउन हो रहा है, एक एक हर आइट्रेशन के ऊपर वो किस तरह से नैरो डाउन हो रहा है। अब आप नोट करें, ये आइट्रेशन नंबर 0, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3। देखो आइट्रेशन नंबर 3 पे बस ये इतना सा डेटा रह गया है। अब इसमें 500 मौजूद नहीं है कहीं पर भी, इसमें 500 कहीं पर भी मौजूद नहीं है। फिर ये मज़ीद उसको नैरो करता है, फिर मज़ीद उसको नैरो करता है ये, और अल्टीमेटली इसके पास ये 6 डेटा पॉइंट रहते हैं, फिर उसके बाद 2 रह जाते हैं, फिर उसके बाद खाली हो जाता है ये, उसके बाद मज़ीद ये आगे नहीं जाता है, ठीक है, खाली हो गया, उसको नहीं मिला ये डेटा, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बेसिक बाइनरी सर्च है, ये जो सर्च है बाइनरी सर्च, ये बेसिक है। आइडियली तो ये भी हो सकता था ना कि मैं पहली ही आइट्रेशन में क्या करता, लास्ट इंडेक्स से भी कंपेयर कर लेता कि भाई 500 लास्ट इंडेक्स 500 जो है वो मैच नहीं हो रहा उससे, अगर लास्ट इंडेक्स से भी आगे है वो तो पहले ही दफ़ा में मैं बता देता भाई ये मौजूद नहीं है इसमें, पहली दफ़ा में भी बता सकता था ना मैं क्या करता, पहले ही जब आइट्रेशन होती तो मिड कैलकुलेट करता उसका, मिड से मुझे मिलता लेफ्ट और राइट मिलता कि जी राइट है यानी बड़ा है नंबर, तो मैं लास्ट इंडेक्स से भी कंपेयर करा लेता एक दफ़ा कि भाई लास्ट इंडेक्स से भी अगर बड़ा है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है यहाँ पे, हमारे केस में वो है हमारे पास 297 है, तो पहली दफ़ा में ही मैं बता सकता था, लेकिन मेरे पास जो मैंने अभी इम्प्लीमेंटेशन की है वो बेसिक बाइनरी सर्च है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर गलतियाँ भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली गलतियाँ भी हैं इसमें, ठीक है। तो क्योंकि ज़रा इतना केयरफुली हमने लिखा नहीं है और वो बात से बात निकल आई थी, इसलिए अचानक मैंने ये बात पकड़ी और रैंडमली इसको मैंने लिखा है वैसे ही, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें गलतियाँ भी हैं। अप्रोच समझ आ गई या नहीं आ गई ये बताओ, अप्रोच समझ आ गई कि बाइनरी सर्च कैसे चलता है। अच्छा, इसी तरह सर्च के 3-4 एल्गोरिथम और हैं, एक बबल सर्च है, सॉरी बबल तो वो सॉल्ट है, वो तो बबल सॉल्ट, सर्चिंग के भी 3-4 एल्गोरिथम हैं बहरहाल। हाँ, ये बाइनरी सर्च कहलाता है, ठीक है। लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, इंटरपोलेशन सर्च है, एक्सपोनेंशियल सर्च है, फेबियोंसी सर्च है, जंप सर्च है, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट, ये दो अलग अलग हैं, बाई डायरेक्शनल सर्च है, ये सारे सर्च के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। किस जगह पे कौन से सर्च एल्गोरिथम का इस्तेमाल होगा वो सिनेरियो देख के डिसाइड होता है। अच्छा, तो बात बता रहा ये था मैं अल्टीमेटली, जो सारी बातों का जो लुब्बे लबाब है वो वापस आ जाते हैं हम ये पोस्ट वाले में, कि कहाँ पे से शुरू हुआ था मैं, हाँ ये गेट में, जब मैं पोस्ट की आईडी से गेट करता हूँ ना जब, तो मैं हमेशा इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, अंडरस्कोर आईडी इस्तेमाल करूँगा, मैं अपनी आईडी यहाँ पर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इस आईडी के ऊपर क्या हुआ वो होता है, इंडेक्सिंग हुई भी होती है। अच्छा, इंडेक्सिंग क्या चीज़ है, इंडेक्सिंग इज़ नथिंग बट सॉर्टेड डेटा, ये आईडी को क्या करता है, सॉर्ट कर लेता है पहले ही शुरू में ही, यही वजह है कि वो आईडी को जब सॉर्ट करता है ना तो डेटाबेस में कुछ एक्स्ट्रा जगह भी लेता है ये, जब हम किसी भी की पे इंडेक्सिंग करते हैं जब, तो इंडेक्सिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेता है मेरे डेटाबेस में, ठीक है। फिर इंडेक्सिंग जब हम करते हैं, अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि अब हर की पे इंडेक्सिंग लगा दें, उसके डाउन साइड्स भी हैं, एक तो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, दूसरा ये कि जब जब मैं नया डेटा इंसर्ट करूँगा तो वो डेटा कहाँ इंसर्ट होगा जाके, वो डेटा अपनी एग्जैक्ट जगह पे जाके एंटर होगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट जगह पे एंटर होगा, क्योंकि ओवरऑल उस डेटा को सॉर्टेड रहना है ना यार, अगर तो नीचे मैंने लगाता गया तो वो सॉर्ट थोड़ी रहेगा फिर, तो जब इंसर्ट होने लगेगा डेटा तो मैं क्या करूँगा, उसी मैनर में उसको दोबारा सर्च करूँगा कि ये आईडी किधर फिट हो रही है, आया कि लास्ट में फिट हो रही है या दरमियान में कहीं फिट हो रही है। मिसाल के तौर पर मेरा जो ये एरे था पूरा, अब इसमें मैंने एक नया नंबर इंसर्ट करना है 112, यानी कि 112, तो मैं उसको यहाँ तो नहीं लगा सकता ना, वरना तो मेरा सॉर्ट ख़त्म हो जाएगा, मुझे ढूंढ के बीच में डालना होगा इसके, ठीक है। तो यही वजह है कि मैं क्या करता हूँ, जिस पे रिक्वायर्ड होता है, इंतहाई ज़रूरी होता है, उसी पे लगाता हूँ, हर की पे मैं नहीं लगाता ये। अच्छा, अंडरस्कोर आईडी पे ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा देता है इंडेक्स, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, लेकिन अंडरस्कोर आईडी में बेनिफिट ये है कि अंडरस्कोर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट होती है, यानी एक आईडी जो अभी जनरेट हुई है ना, क्योंकि उसमें ये टाइम को इन्वॉल्व करता है, तो ये लेक्सिकल ऑर्डर में इंडेक्स हुई भी होती है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। यानी मिसाल के तौर पे अभी मैं जो एक पोस्ट करता हूँ उसको एक की मिलती है, जो एक आईडी मिलती है, जो
अब जो मैं अगले मिनट जो करूँगा या अगले सेकंड या अगले लम्हे जो मैं पोस्ट करूँगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट इस तरीके से करता है कि वो उससे बड़ा होता है, पहले वाली आईडी से बड़ा होता है, तो लास्ट में वो लगाता है, तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, सीक्वल डेटाबेस के अंदर जो है जिस चीज़ पर आप लगाते हैं उसमें प्राइमरी की करके एक चीज़ होती है, एक अगर किसी का सीक्वल का बैकग्राउंड है तो उसमें प्राइमरी की बनाते हैं, वो असल में इंडेक्सिंग ही होता है, और वो क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1, 2, 3, 4, 5 वो सीक्वेंस से उसको जनरेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि खुद से कुछ करना नहीं पड़ता। तो अंडरस्कोर आईडी से जब मैं इसको गेट करूँगा तो ये सबसे फास्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर इंडेक्सिंग लगी हुई है। अगर मुझे किसी और की से करना है तो उस पर इंडेक्सिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इंडेक्सिंग ना करूँ तो भी MongoDB का जो सर्च एल्गोरिथम्स अंदर लगे हुए ना, देखो कितने सारे सर्च एल्गोरिथम थे, उसमें से जो बेस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो MongoDB अंदर उसने फिट किया हुआ है पहले से ही। हमें नहीं करना, हमें जस्ट मेथड कॉल करना है, वो अंदर खुद समझेगा कि कौन से कैसे बेस्ट को कॉल करके लाना है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई कलेक्शन डॉट फाइंड, और ये क्राइटेरिया दे दिया कि आईडी इक्वल्स टू ये आईडी हो ना, तो आप क्या करो उसको ढूंढ के लेकर आ जाओ। अच्छा, ये अवेट पे क्यों एरर दे रहा है, अवेट पे इसलिए दे रहा है कि ये एसिंक नहीं है। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि ये कर्सर है मेरा, और कर्सर डॉट टू एरे किया मैंने, तो एरे पे एक ही आइटम आएगा या तो जीरो आइटम आएगा। अगर तो इस आईडी से कोई पोस्ट मौजूद हुई तो इसके अंदर क्या होगा, एक इंडेक्स का कोई एरे हो जाएगा, ऐसे करके उसके अंदर ना यहाँ पे डेटा मौजूद होगा। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ भाई कुछ भी डमी डेटा है, ऐसे करके मौजूद होगा। और अगर इस आईडी से कोई पोस्ट इसको नहीं मिली, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं कोई आईडी लिखूँ उससे कोई पोस्ट ना हो, या हो पहले अब डिलीट हो चुकी हो, अब मौजूद ना हो, तो वो इसमें क्या मिलेगा फिर उस केस में, यहाँ पर मुझे एम्प्टी एरे मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो जो भी होगा, बहरहाल एम्प्टी एरे होगा या जो भी होगा, मैं यूज़र को भेज दूंगा, मैं बोलूँगा भाई यही है जाओ। नहीं, पहले वाली जो छोटी है अब जो होगी वो बड़ी होगी। हाँ, नहीं स्पेस नहीं आया ना, स्पेस नहीं आया, देखो स्पेस नहीं आया, पता है क्या हुआ, देखो बड़ा अच्छा सवाल किया इसने, मेरे पास ये डेटाबेस बन रहा है मिसाल के तौर पे, अब मेरे पास जो अभी जो मिसाल के तौर पे क्या टाइम हो रहा है 9:21, तो मैंने 9:21 लगा दिया, और जो भी सेकंड भी हो रहा था कुछ, मैंने कहा 33 सेकंड हो रहा है, तो ये मैंने आईडी एक जनरेट कर दी। इस तरह नहीं होता, वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से होता है, लेकिन मैं इमेजन समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 9:22 और 53 सेकंड पे एक और जनरेट हुआ, सही है। फिर इसी तरह क्या हुआ, यहाँ पे सही है, इस तरह ये जनरेट होगा। बीच में अगर मैं डिलीट कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा सॉर्टेड, अगर बीच में से किसी एक को मैं डिलीट भी करता हूँ तो ये सॉर्टेड ही रहेगा, लेकिन गैप जो तुम कह रहे हो ना आ जाएगा, वो नहीं होगा। गैप कहाँ आएगा, मतलब इसको भी मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, गैप कहाँ आएगा, ये नहीं, ये तो एरे है ना। नहीं नहीं देखो, तुम इसको देखो, इस एरे को देखो, इस एरे को देखो, इसमें अभी 4 आइटम है ना, ये सॉर्टेड है ना, सही है, ये सॉर्टेड है। अगर मैं इसमें से किसी एक को डिलीट कर दूँ तो गैप तो नहीं आया, गैप आया नहीं आया, बस यही है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अभी हमने क्या करना सीख लिया, एक सिंगल आईडी से पोस्ट को गेट करना सीख लिया। अच्छा, अब ये जो क्राइटेरिया है ना मेरे पास, ये क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये क्राइटेरिया में कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आईडी से सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास 3 चीज़ें हैं ना, टाइटल से भी कर सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आईडी ये हो और टाइटल ये हो, डबल भी लगा सकता हूँ मैं बोलो भाई टाइटल ABC ये होना चाहिए। अब जब ये दोनों क्राइटेरिया मैच करेगा ना, जब आएगा, ठीक है, इसमें मैं एंड का भी ऑपरेटर लगा सकता हूँ, इसमें मैं और का भी ऑपरेटर लगा सकता हूँ, इसमें मैं इंक्लूड्स का भी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आईडी आया कि या तो ये वाली हो, या एक और आईडी दे दूँ मैं बोलूँ या तो ये वाली हो, या तो 6 आईडी दे दूँ मैं बोलूँ यार इनमें से कोई भी एक हो ना ले आओ, सही है। तो अगर 6 की 6 मिल गई तो सब ले आएगा वो, अगर एक भी मिल गई उनमें से कोई तो ले आएगा। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ना हमारे, आ जाओ MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में, MongoDB क्वेरी डॉक, ऑपरेटर्स चाहिए मुझे,
क्वेरी ऑपरेटर्स हाँ जी ये आ गया। देखो एक है ई क्यू, एक है जी टी। जी टी मतलब ग्रेटर देन, ई क्यू मतलब इक्वल टू, सही है। इन लेस देन, एल टी का मतलब है लेस देन, ठीक है। मैचेस वैल्यू दैट आर इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। अब ये नंबर के ऊपर ये ऑपरेटर सारे लग सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं सारे। जाहिर है कंपैरिजन ऑपरेटर नंबर पे लगते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है कि भाई या तो ये वाली कंडीशन मैच हो जाए एंड साथ में, जैसे हम इफ में लगाते हैं ना कि ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो जब इफ ट्रू होगा ओवरऑल, तो इस तरह से भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट यानी जो एरे, जाहिर है मेरा जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, तो इसके अंदर क्या जा रहा है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसमें एरे भी हो सकता है। भाई आईडी इक्वल्स टू 5 तो मैंने चेक कर लिया कि भाई अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 5 अगर हो तो ले आओ, लेकिन एरे भी तो हो सकता है। तो एरे के अंदर एग्जिस्ट का इसके अंदर ऑपरेटर है, मैचेस अ डॉक्यूमेंट दैट हैव अ स्पेसिफिक फील्ड। मैंने कहा भाई जो जैसे किसी बंदा है नेम क्लास रोल नंबर और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक एरे है। अब मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट में एग्जिस्ट अगर करता हो ना इंग्लिश तो उसको ले आओ, जिस जिस के अंदर इंग्लिश है वो सब ले आओ। तो जितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके उस एरे में इंग्लिश होगा वो सब आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये सारे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी है इसमें, जियो पार्शियल भी है कि भाई अगर किसी बंदे का ना मतलब नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट और साथ में उसकी लोकेशन भी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में उसकी लोकेशन डली हुई है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये बंदा, मैं एक गिवन लोकेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ यार कराची जौहर टाउन की जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना वो देता हूँ, मैं कहता हूँ इसके 100 मीटर के रेडियस में जो है ना बंदा वो सब उठ के आ जाए, तो मैं वो इसके ज़रिए कर सकता हूँ, ठीक है। जियो विद इन लिखा हुआ है ना, जो सेलेक्ट अ जियोमेट्रिक बाउंड्री बिटवीन 2D स्फेयर, ठीक है, नियर स्फेयर या जियो विद इन, इसका इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके मैं क्या दूंगा, क्वेरी के अंदर एक कोऑर्डिनेट्स दूंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और मैं बोलूंगा इस कोऑर्डिनेट से 100 मीटर के रेडियस में जो है ना वो ले आओ, तो वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स उसके 100 मीटर में होंगे। अगर नहीं होगा तो कोई भी नहीं आएगा, खाली आएगा एरे, ठीक है। इसी तरह के एरे के अंदर का एलिमेंट मैच, एलिमेंट साइज, ठीक है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट एरे फील्ड इज स्पेसिफिक साइज, कह रहा है कि नहीं नहीं ये अभी ऑपरेटर, तुम सवाल तुम्हारा असल में ये है कि ये ऑपरेटर लगेगा कैसे, सवाल ये है ना तुम्हारा, वो अभी जब जिस ऑपरेटर पे क्लिक करोगे वो बता देगा ना कैसे लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये एंड वाला, एंड वाले में क्या होगा कि एक क्वेरी दोगे और एंड लगा के एक दूसरी क्वेरी दोगे, दो क्वेरी दोगे, आप बोलोगे कि ये दोनों ट्रू हो ना जब उस डॉक्यूमेंट को लाओ, तो मैं एंड पे क्लिक कर देता हूँ, ये एंड का ऑपरेटर इस तरह लगेगा। इसकी नीचे कोडिंग एग्जाम्पल भी होगी, ये है मेरा भाई कोडिंग एग्जाम्पल, फाइंड की क्वेरी है, उसमें एक ऑब्जेक्ट शुरू हुआ है ख़त्म हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सप्रेशन इसने दिया है यहाँ पे, अरे ये तो बड़ा मुश्किल सा इसने लगाया यार, चलो ये देख लो, ऐसे देख लो, फाइंड की क्वेरी है, एंड का ऑपरेटर दिया है, यहाँ पे पहली कंडीशन, यहाँ पे दूसरी कंडीशन। इसको ज़रा मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ना, मैं अपने कोड में लाके इसको ज़रा मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, इसी जगह पे लिख देता हूँ मैं कि जी मेरे केस में क्या था, ये ऐसे था ना, मैं बोलूँगा एंड का ऑपरेटर और पहली कंडीशन मैं दूंगा ये वाली जो मैंने यहाँ दी है, ठीक है, कि आईडी जो है वो क्या हो, इसके इसके इक्वल हो, और एक और कंडीशन मैं यहाँ पे दे दूंगा इसके, कि आईडी जो है वो क्या हो जाए, टाइटल जो है वो क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। तो क्या होगा, ये जब ये भी ट्रू होगा और जब ये भी ट्रू होगा, जब ये लेकर आएगा अदरवाइज नहीं लाएगा। अच्छा इसी तरह मैं यहाँ पे और लगा सकता हूँ, और लगा दिया मैंने कि भाई या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, कोई एक ट्रू हो जाएगा तो भी लेकर आ जाएगा, सही है। तो अब इसी तरह यहाँ पे और कौन कौन से ऑपरेटर थे, अब देखो नॉट का ऑपरेटर है यहाँ पे, सही है, देखो प्राइस के ऊपर इसने लगाया हुआ है, भाई प्राइस क्या हो, एक नॉट लगाया हुआ है और ग्रेटर देन लगाया हुआ है कि 199 से ग्रेटर हो और उस पर नॉट हो, कि 199 से ग्रेटर ना हो उस पर ये लेकर आएगा उठा के नंबर पे, ठीक है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना लाके, मैं इसको भी ज़रा अपने पास सिंप्लीफाई करके बताता हूँ तुम्हें, मैं इसको भी रोक देता हूँ। मैं अगर ये बोलता हूँ ना कि प्राइस 77 हो अगर, तो ये तो एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट्स लाएगा ना, यानी वो चीज़ लाएगा जिसमें प्राइस इक्वल टू 77 हो। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार 77 से कम वाले ले आए सारे, ये 77 से ज़्यादा वाले ले आए सारे, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस इक्वल टू 77 नहीं लिखूँगा, बल्कि प्राइस इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूँगा LT, कैसे था यहाँ पे बताया था जो उसने, LTE था ये रहा ना, GT इसने लिखा है, सही है। मैं ये ऐसे करके लिखूंगा इसको, प्राइस इक्वल्स टू GT और 199, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 77 जो मेरा, तो ये ग्रेटर देन 77 जो होगा ना वो लेकर आएगा सारे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या LTE लिख दूंगा अगर यहाँ पे, तो लेस देन 77 वाले लाएगा। LTE देख लेता हूँ यहाँ है भी कि नहीं है, सही है, कंपैरिजन ऑपरेटर में होगा ना ये, एक LTE और एक LTE भी है। LTE और LTE में क्या फ़र्क है, हाँ अच्छा लेस देन इक्वल्स टू, हाँ सही है। तो लेस देन इक्वल्स टू समझ आ गया ये कि 77 भी चल जाएगा और 77 के इक्वल भी हो जो उसको भी लो LTE। तो ये ऑपरेटर सारे मैंने आपको क्या कर दिया, ओवरव्यू दे दिया आपको कि ये ऑपरेटर किस तरह चलते हैं। आपने ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है इफ एल्स के थ्रू सारा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर और ये सारा कुछ, तो आप इस तरह करके ऑपरेटर लगाएंगे तो आपको वो क्वेरी में मिल जाएगा, या तो डॉक्यूमेंट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो खाली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ कनेक्शन डेटाबेस की साइट से ओपन रहेगा, MongoDB एटलस की साइट से ओपन रहेगा, उसको बस डॉट क्लोज मारो हो जाएगा क्लोज। अच्छा दोस्त का सवाल ये है कि अगर मैंने गलती से उसको क्लोज नहीं किया तो होगा क्या, आया कि वो कनेक्शन हमेशा खुला रहेगा, नहीं हमेशा नहीं खुला रहेगा वो, ठीक है। MongoDB एटलस एक सर्टन टाइम के बाद उसको डिसकनेक्ट कर देगा, वो जो ओपन कनेक्शन उसको क्लोज कर देगा, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन वो जो सर्टन टाइम होगा ना आपने डिसकनेक्ट किया ना, मोंगोज को पता नहीं चलता उसको कि आपका एप्लीकेशन बंद हो गई है या चल रही है, ठीक है। तो वो क्रेडेंशियल ज़ाहिर है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना तो एक क्रेडेंशियल बनता है जो कम्युनिकेशन हो रही होती है टोकन के ज़रिए, तो अगर आपने क्लोज नहीं किया और आपने एप्लीकेशन अपनी बंद कर दी, तो उस टाइम पीरियड में अगर वो टोकन किसी को मिल गया ना तो आपके डेटाबेस पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। स्टिल ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो टोकन किसी को मिल जाए, क्योंकि एक तो वो कुकीज़ में जा रहा होता है, सिक्योर होता है, आपके सर्वर से जो डेटाबेस तक की जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, लेकिन ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो किसी को मिल जाए, लेकिन मिल भी सकता है, तो इसको वल्नरेबिलिटी कंसिडर किया जाता है। वल्नरेबिलिटी कंसिडर करने का मतलब है कि इसको यूज़ किया जा सकता है आपके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। अगर ओपन छोड़ भी दिया आपने तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, छोटी मोटी एप्लीकेशन में आप उसको ओपन छोड़ सकते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे, किसी ने आपका कोड देखा तो आपको बातें सुना सकता है कि यार ये आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, सब लोग करते हैं तो आपने करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है ऐसा केस हो जाए। तो अच्छा जी ये हो गया, अच्छा इसको ज़रा आप चला के भी देख लेते हैं क्या ख्याल है। पोस्टमैन पे हमने चला के देखा था ना। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि मैंने क्या किया, अपना सिर्फ API को मैंने छेड़ा नहीं है, आप नोट कीजिएगा, API बिल्कुल सेम है, ये मेरी जो API है /post और /post की ID, ये मेरी API को मैंने छेड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फ्रंट एंड है वो इससे कनेक्टेड है अभी भी, अभी मैं फ्रंट एंड चलाऊंगा एज इट इज़ चलेगा जैसे वो वेरिएबल के साथ चलता था, लेकिन अब शायद मैंने एक चीज़ छेड़ दी है कि मैं पहले ज़रा पोस्ट ID को कंसिडर करता था वो वाली ID, अब मैं अंडरस्कोर ID को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे चेंज करनी पड़ेगी फ्रंट एंड पे जाके कि वो अब की बार वो अंडरस्कोर ID भेजे, ठीक है। तो मैं इसको वापस वो भी कर सकता हूँ कि मैं अंडरस्कोर ID ना पकड़ूं,
अच्छा जी, गेट ऑल पोस्ट, सेंड का बटन दबाया, व्हाट, सर्वर चल रहा नहीं है मेरा। अच्छा सर्वर नहीं चल रहा मेरा ना, npm run dev, ठीक है जी, 3001, ठीक है जी, तमाम की तमाम पोस्ट मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, गेट सिंगल पोस्ट करना है ना, गेट पोस्ट विथ id। तो पहले मैं 341 इसको भेजता था, जो मेरा जो मतलब वो था ये वाली id थी। अब की बार मैं अंडर स्कोर id की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी अभी जो पोस्ट क्रिएट की है, अच्छा सब में ही कराची कराची लिखा हुआ है ना, चलो एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कोई बात कर देते हैं। मैं कह देता हूँ कि भाई पोस्ट विथ अंडरस्कोर आईडी, मैंने ये एक सिंपल सी एक बात लिख दी और पोस्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो है ना क्रिएट कर दिया, पोस्ट क्रिएटेड। अब जब मैं गेट ऑल पोस्ट करूँगा तो मुझे ये वाली पोस्ट सबसे लास्ट में मिलनी चाहिए, ठीक है, ये मिल गई मुझे लास्ट में। अब इसकी मैं आईडी को कॉपी करता हूँ, तो सॉरी इस अंडरस्कोर आईडी को, और इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, सिंगल पोस्ट को गेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। गेट किया मैंने, अच्छा मस्ट बी अ वैलिड नंबर, अच्छा वो मैंने वैलिड नंबर वाला इस पर वो लगाया हुआ है, ये मैंने क्या किया हुआ है, नॉट नहीं लगाया इस पर मैंने, सही इस पर मैंने नॉट नहीं लगाया हुआ था, इस पर तो नॉट होगा ना, कि अगर नॉट पोस्ट आईडी होगा तो सही है, गड़बड़ की हुई थी मैंने। अच्छा ये मुझे खाली मिला, खाली क्यों मिला मुझे ये, इसका एक रीज़न है, कौन बताएगा, हाँ सर्वर, सर्वर तो रन हुआ हुआ है और ये चला भी सही है बिल्कुल, ये आईडी के अगेंस्ट मैंने ये भेजा भी है सामने से आईडी, इसमें एक गड़बड़ है, किसी ने अपने हाथ से ये चला के नहीं देखा, कोड लग रहा है, नहीं नहीं ये तो ये एक लोकल कोड चल रहा है, हाँ अंडर स्कोर आईडी एक ऑब्जेक्ट होता है, ये प्लेन स्ट्रिंग इसको दूंगा इसको नहीं समझ आएगा, अंडर स्कोर आईडी जो है वो असल में एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ऑब्जेक्ट आईडी में जो है ना ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है, इसको मुझे ऐसे करके कन्वर्ट करके पास करना होगा, इसे उसको कन्वर्ट करने का एक फंक्शन होता है, वो ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ से, फाइंड वाले में मैं जाऊँगा ना तो वहाँ वो एग्जाम्पल आ रही होगी, MongoDB क्रड था वो कहाँ गया, ये रहा MongoDB क्रड, क्वेरी 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 क्वेरी, सही है, ये देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट आईडी, असल में एक ऑब्जेक्ट है ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है ये, ठीक है ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये प्लेन स्ट्रिंग नहीं है, इस पर अगर मैंने क्वेरी लगानी है ना तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होगा, ओहो यार कहीं बता ही नहीं रहा यहाँ पे क्या बकवास है। अच्छा बता तो दिया इसने यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट आईडी इस तरह है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट आईडी को इंपोर्ट कहाँ से करना है ये नहीं जिक्र किया इन्होंने, इस ऑब्जेक्ट आईडी को इंपोर्ट कहाँ से करना है, होपफुली ये MongoDB से ही इंपोर्ट होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है इस बात को, स्टैक ओवरफ्लो देख लेते हैं क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में वो मिल नहीं रहा, तो हम स्टैक ओवरफ्लो देख लेते हैं। अच्छा स्टैक ओवरफ्लो में भी इसको इंपोर्ट करना नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे किसी दोस्त ने बताया हुआ है कि भाई ऑब्जेक्ट आईडी को ना MongoDB के अंदर से
इम्पोर्ट करना होता है। ठीक है, तो आ जाओ मोंगो डीबी के अंदर से इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। मोंगो डीबी के अंदर से कैसे इम्पोर्ट होगा ये? मोंगो डीबी को इम्पोर्ट ही नहीं किया मैंने यहाँ, इम्पोर्ट नहीं, नहीं यहाँ इम्पोर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे वो चाहिए ना मुझे। मोंगो डीबी और यहाँ पे जब मैं करूँगा ना कंट्रोल स्पेस, मुझे ना ये ऑब्जेक्ट आईडी पकड़ में आ गया, सही है, जब मैं थोड़ा सा लिखूँगा तो ये खुद ही बताता है फिर, ये ऑब्जेक्ट आईडी पकड़ में आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी पे जब मैं हाथ रखता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये क्या है, एक अदद क्लास है ये, सही है, क्लास का मतलब है कि एक फंक्शन है ये, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट आईडी इस तरह करके लगा देता हूँ और अब देखता हूँ कि मुझे ये पकड़ में आता है कि नहीं आता। अबे तो एरर ही दे दिया इसने। अच्छा यहाँ पे जो इसने एग्जांपल बताई है उसके अंदर स्पेलिंग ज़रा इसकी ना कुछ ये वाली है, और यहाँ पे ये वाली है, ये क्या चक्कर है, थोड़ी थोड़ी सी अलग है दोनों में स्पेलिंग इसकी। न्यू लगा देते हैं यार, चलो कह रहा है न्यू के बगैर इसको कॉल नहीं कर सकते। हाँ चलो न्यू लगाया तो चल गया, ये उधर रुक गया, इधर तो चल गया। अरे यार ये क्या चक्कर है, ये बार बार रुक रहा है आज तो, बहुत तंग किया इसने आज। अच्छा तो मैंने न्यू करके जब लगाया ना इसको यहाँ पे, तो ये चल गया और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। ठीक है, इसी आईडी वाला डॉक्यूमेंट आया, नोट कीजिएगा आप। ठीक है, और ये बाइनरी सर्च परफॉर्म किया है इसने, बाइनरी सर्च लेकर आया है, मतलब बाइनरी सर्च के ज़रिए इसको ये लेकर आया है। चलो भाई अच्छा जी ये काम हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट आईडी वाला, और क्या करना है, मैंने लास्ट अपडेट करना है। अच्छा हमारे पास टाइम क्या है अभी, अच्छा टाइम तो हमारे पास हो गया ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अपडेट और डिलीट वाला काम खुद से कर लोगे तुम लोग? कर लिया, गुड यार ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज़ थी जो मैंने बताई आज, ये ऑपरेटर वाली और ये सारी चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट आईडी वाला काम, ये सब समझ आ गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है? अच्छा ये कौन सा बंदा है जिसने ये वाले काम पहले कर लिए थे, कोई है? तुमने कर लिया था? किससे? मोंगोस से किया था, इसी से किया था, इसी से किया था, गुड। तुमने भी कर लिया था, क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। तुम्हारा नाम क्या है? फैज़ान। चलो उस्मान और फैज़ान दोनों ने कर लिया था भाई, तो आप बाकी लोग भी कोशिश करें कि ये चीज़ें ना ज़रा अपनी प्रैक्टिस में लाएँ। अच्छा क्यों, अब हमने डेटाबेस को बाकायदा इस्तेमाल करना है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमने एक चैट ऐप बनानी है डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए, 1-to-1 चैट ऐप। ठीक है, तो 1-to-1 चैट ऐप में दो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, नंबर एक लॉग इन साइनअप जो JWT हम इस्तेमाल करेंगे, और नंबर टू ये जो ये सारी प्रोजेक्शन वगैरह और ये सारा कुछ है ना, ये सब उसमें कवर होगा। ठीक है, अच्छा और हम ये चैट ऐप किस में बनाएंगे? वही थ्रेड्स वाला जो हमने काम किया था ना, जो थ्रेड्स वाला काम, उसी तरह का हम एक MongoDB से अब बनाएंगे। वो थ्रेड्स वाला तो हो गया पुराना, वो तो फायरबेस से बनाया था आप लोगों ने, और फायरबेस ऑथ लगाया था उसमें, तो उसी तरह का हम एक यहाँ थ्रेड इस पर बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, मेरी एक प्रोफाइल का पेज होगा, एक फीड का पेज होगा जिसमें तमाम लोगों की पोस्ट आ रही होगी, और फिर मेरे पास एक 1-to-1 चैट होगा। तो ये कंप्लीट सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होगा जो इंशाल्लाह हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये अगर आपने खुद से बना लिया तो आई होप कि आपको डेटाबेस की भी ग्रिप आ जाएगी, आपको ये ऑथेंटिकेशन वगैरह JWT इसकी भी ग्रिप आ जाएगी, डेटाबेस के ऑपरेटर्स भी हमारे, इसकी भी ग्रिप आ जाएगी आपको। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।